ठीक है, तो मुझे बताओ आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 बोलता हाँ, स्टेट गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट एवरीथिंग वेरी नाइस. इन इन अपॉइंटमेंट इन स्टेट व्हाट? ऑफिस इन स्टेट ऑफिस. अपॉइंटमेंट कहाँ? कहीं भी. प्राइवेट जॉब के लिए गारंटी कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए गारंटी कर रहे हैं. गवर्नमेंट स्टेट की अगर कोई वैकेंसी है, स्टेट के ऑफिस में कोई वैकेंसी है, वहां की बात चल रही है यहाँ पर. ठीक है, राइट. तो आर्टिकल 16 में जॉब अपॉर्चुनिटी गारंटी करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, बेसिकली स्टेट के ऑफिस में, राइट. अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शन है क्या? ईडब्ल्यूएस के एक्सेप्शन लिए क्या है? EWS वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये हाँ इनको 10% रिजर्वेशन मिल जाती परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है. आर्टिकल 14 क्लॉज 2 क्या? आर्टिकल 14 सब आर्टिकल 2 क्या बोलता है? है। आर्टिकल 14 ना, आर्टिकल 14 का ये था ना कि आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी नहीं, एक और था EBL एंड EPL क्या, इक्वल प्रोटेक्शन इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ ऑफ ऑफ द लॉ लॉ. ऑफ लॉ, हाँ, ये सेकंड वाली जो प्रोटेक्शन मिलेगी. ऑफ 14(1) में ईबीएल के बारे में बोला है बेसिकली, और 14(2) में ईपीएल ईपीएल के बारे में बोला है. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी, अगर मैं कहती हूँ कि नो वन शुड बी ट्रीटेड अबव द लॉ, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड विदाउट कंसिडरिंग द रैंक ऑफ और अ स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, सो हियर दिस मीन्स ईबीएल और ईपीएल, दिस मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वालिटी दिस मीन्स बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ. ओके, सो नाउ इफ आई से दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, सो दिस मीन्स इक्वल 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 प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस. परफेक्ट, ठीक है, फाइन. उसके बाद यू टेल मी, आर्टिकल 15 में जो बेनिफिट दिया गया है वो किसे दिया गया है? सिटीजन्स को कि पर्संस को? सिटीजन सिटीजन को. सारे पर्सन को नहीं. तो नहीं ये बेनिफिट क्या फॉरेनर को मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ सिटीजन्स को मिला नहीं है. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है, तो मुझे बताओ कि प्रियम्बल में चार चीजें सिटीजन्स को क्या क्या प्रॉमिस की गई हैं? क्या प्रॉमिस की लिए, हाँ जस्टिस हाँ लिबर्टी हाँ इक्वालिटी फ्रेटरनिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटरनिटी. ठीक है, जस्टिस किन किन चीजों का दिया गया है? जस्टिस दिया हुआ है हाँ सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ठीक है, तो मुझे बताओ तीन वर्ड्स प्रियम्बल में बाद में ऐड किए गए थे, वो कौन कौन से थे? सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी सोशल, सिक्योलर और इंटेग्रिटी. ये कौन से अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे? 42nd 1976। परफेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस. आसमान छू रही हो तुम आज, तो मतलब अलग ही जोश दिख रहा है. पूर्वी देख रही हो तुम अपनी बहन का जोश? ठीक है, अलग जोश है. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा. सारे आंसर दिए तुमने, वेरी गुड. कल से मैं चॉकलेट रखूंगी तुम्हारे लिए. मैं देती हूँ. मैं बैंगलोर में भी अपने सी को बच्चे, सीएस के बच्चों को, सीएसएस के बच्चों को जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं ना वो लोग, तो मैं उन्हें चॉकलेट देती हूँ. सबको ये आंसर नहीं दे पाते हैं, और उससे पता चल जाता है कि वो रिवाइज करके आए हैं कि नहीं रिवाइज करके आए. चलो मैं ठीक है. 15 बारे में से खा रही थी तो मैं वो कर रही थी, अब स्कूटी जाते वक्त मेरे नहीं, दिमाग में चलता नहीं आर्टिकल कौन हाँ, सा कौन सा था। ऐसे ही रिवाइज किया जाता है लॉ को. हर बार बुक खोल के रिवीजन नहीं होता है लॉ का. तुम अगर अभी से ये हैबिट डेवलप कर रही हो, तुमको इसका एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ट्रस्ट मी. मैं क्या करती थी, पढ़ लिया पूरा बुक, पूरा चैप्टर, बुक तो नहीं एक बार में, पूरा चैप्टर पढ़ लिया. छोटा चैप्टर मान के चलो 10 टॉपिक है, पढ़ लिया, दिमाग में बैठ गया. हाँ, यहाँ पर ये वाला टॉपिक है, यहाँ पर ये वाला है, ये यहाँ पर ये वाला टॉपिक है. अब वो इतनी अच्छे से समझ करके याद हो जाना चाहिए कि तुम बुक बंद करके एक एक करके, हाँ ये पहले ये टॉपिक था, उसमें इतने इतने पॉइंट्स थे, ये था, डन, फिर ये, मतलब पूरा माइंड में पूरा रिवाइज हो जाए. माइंड में वो बुक की पिक्चर बन जाए, आंख बंद करके तुम्हारे सामने बुक आ जाए और तुम माइंड में पूरा उसको रिवाइज कर लो. कोई माई का लाल तुमको फेल नहीं कर सकता, कोई माई का लाल. ऐसे अगर रिविजन करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है. मैं भी अपने एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के टाइम पे लॉ को ऐसे ही रिवाइज किया करती थी, क्योंकि लॉ बहुत ज्यादा थियरी हो जाता है. थियरी इंटरेस्टिंग होता है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो लॉ, बट हाँ, कुछ चीजें याद करने की भी होती है. तो याद करने वाली जो चीजें हैं लॉ ना, सिर्फ समझना इनफ नहीं होता है, समझ करके ये
लेकिन एग्जीक्यूटिव में तो रिटर्न पेपर होता है, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखना पड़ेगा ना, तो लीगल टर्म्स क्या क्या है वो याद करने पड़ेंगे, तो उसके लिए ना ये रिविजन बार 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 लगता है। तो अगर तुम माइंड में पूरा रिविजन कर पा रही हो बिना बुक के तो बहुत बेहतरीन है। और इससे क्या होता है ना, टाइम भी कम हो पाता है। एक चैप्टर फर्स्ट टाइम रिवाइज करने के लिए 15 मिनट लगा, अगर नेक्स्ट टाइम 10 मिनट लगेगा, फिर 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे तुम। तो ये ऐसे क्यूमुलेटिव रिविजन बहुत फायदा करता है। इवन दिस इज दिस ट्रिक इज यू नो डन बाय इवन यूपीएससी एस्पिरेंट्स आल्सो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं फटफट से रिवाइज करवा देती हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक पढ़ा था कि इट टेल्स द पावर्स ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट पीपल एंड द रिलेशन बिटवीन देम। इट इज नोन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया और द मदर ऑफ ऑल द लॉज। इट इज नोन एज द फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल, इट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क। उसके बाद हमने पढ़ा था इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट एक्सेप्ट फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मैंने पूरा कल स्टोरी सुनाया था, लॉन्ग ऑन स्टोरी, दोबारा नहीं सुनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स, अगर आर्टिकल नंबर्स की बात करें तो पहले जब बना था तब 395 थे, आज 448 है। पार्ट्स पहले 22 थे, अभी 25 है। और शेड्यूल्स पहले 8 थे, अभी 12 है। उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बन के अडॉप्ट हो गया था ऑन 26 नवंबर 1949 और इन्फोर्स हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950। उसके बाद प्रीएम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बताता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। इंडिया के चार नेचर बताता है, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सिक्योर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरिन मतलब आजाद, इंडिपेंडेंट, कि दूसरा देश हमारे इंटरनल मैटर पे दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद हम चार चीजें देते हैं सिटीजन्स को, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, बिलीफ। ठीक है, एंड फ्रेटर्निटी इंश्योरिंग इंटेग्रिटी वर्ड, सोशल वर्ड और सिक्योर वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा किया गया था। उसके बाद अपन ने पब्लिक बॉडी पढ़ी जो कॉन्स्टिट्यूशन से जिनको पावर मिलता है, और इस कंसेप्ट को ना सेपरेशन ऑफ पावर भी बोला जाता है कि लॉ बनाने का पावर हमने सेपरेट कर दिया, लॉ को एग्जीक्यूट करने का पावर हमने सेपरेट कर दिया, लॉ को इंटरप्रेट करने का पावर हमने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर स्क्रीन पे देखो, इस कंसेप्ट को सेपरेशन ऑफ पावर भी बोला जाता है कि हमने पावर जो है ना सेपरेट कर दिया। लॉ कौन बनाता है? लॉ बनाता है वो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर, यानी SLA और SLC। अब एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। परफेक्ट। और जुडिशियरी में क्या क्या आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। हमारा इंडिया फेडरल है कि यूनिटरी है? फेडरल है विद सम यूनिटरी फीचर्स। जनरली फेडरल है, जैसे मैंने चाइना का एग्जांपल दिया था, चाइना यूनिटरी है, वहां पर एवरीथिंग इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री भी नहीं है, चाइना इज एन ऑटोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, वहां लोगों की नहीं सुनी जाती है, आप कुछ उल्टा पुल्टा बोल दोगे पता भी नहीं चलेगा कब गायब हो जाओगे। ठीक है, तो चाइना में रहना थोड़ा खतरनाक है, संभल के रहना पड़ता है वैसा। ओके, तो फेडरल फीचर्स क्या क्या होते हैं इंडिया के? हाँ, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। 14 से फंडामेंटल राइट चालू होता है, 32 तक 33, 34, 35 में कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, FR से रिलेटेड लिखा हुआ है, दे आर नॉट FR, बट FR से रिलेटेड यस, दैट कम्स अंडर पार्ट 3। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला हमने चालू किया था आर्टिकल 12 जो स्टेट को डिफाइन करता है, जिसमें लेजिस्लेटिव पूरा आ जाएगा, सेंट्रल स्टेट दोनों, एग्जीक्यूटिव पूरा आ जाएगा, उसके अलावा लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज,
विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. लोकल अथॉरिटी में क्या क्या आ जाएगा? पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज या कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और ट्रांसपोर्ट का कुछ, पोर्ट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा. अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आ जाएंगी? अदर अथॉरिटीज में, अदर में क्या आ जाएगी? नहीं, अदर अथॉरिटीज में कुछ भी आ सकता है. इसके लिए 6 टेस्ट है ना. एम्बेसीज में तो मैंने एग्जांपल दिया था, वो तो लोकल अथॉरिटी. हाँ, अदर अथॉरिटीज में आ जाएंगी. अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट का जब मैं एग्जांपल दे रही थी वहां बता रही थी, बट अदर अथॉरिटीज में तो कुछ भी आ सकती है ना. कोई भी स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटी या कोई भी स्टेट एजेंसी आ सकती है. उसके लिए हम 6 टेस्ट देखते हैं, ठीक है. वो कौन से केस में डिसाइड हुआ था? अजय आसिया वर्सेस खालिद मुजीब. ये 6 टेस्ट देखते हैं. याद होगा अगर 100% शेयर कैपिटल, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, मोनोपोली, डीप एंड पर्वसिव कंट्रोल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्रांसफर और पब्लिक फंक्शंस आर और क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन. अगर ये 6 टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट सेटिस्फाई होता है तो देन इट विल कम अंडर अदर अथॉरिटी. जुडिशियरी स्टेट है क्या? जनरली नो, क्योंकि वो जुडिशियल फंक्शन एक्सेस तो है. परफेक्ट. उसके बाद हमने आर्टिकल 13 किया. कल के पूरे लेक्चर में बस आर्टिकल 13 ही किया था हमने. आई गेस परसों के पूरे लेक्चर में एक दिन सिर्फ आर्टिकल 13 नहीं, हाँ ठीक है, आर्टिकल 13 किया था हमने, ठीक है. आर्टिकल 13 में हमने सबसे पहले 13(1) में ये बोल रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले कोई लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड हो जाएंगे. और 13(2) में ये पढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो जो FR के अगेंस्ट है, और अगर बनता भी है तो वो वॉइड हो जाएगा. 13(3) में बोला है लॉ मतलब सारे लॉ जो भी पार्लियामेंट लेके आती है, जो भी गवर्नमेंट लॉ लेके आती है, रूल हो, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस हो, एवरीथिंग, नोटिफिकेशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर लॉ. उसके बाद हमारा आया था 13(4) जो ये बोलता है कि ये पूरा सेक्शन 13 का 4 बोलता है कि 13 का सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 368 के अंदर. नाउ व्हाट इज 368? 368 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. उसके बाद हमने केस पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो ये बोलता है कि अगर कोई पार्ट इनकंसिस्टेंट एफर के साथ तो विल सी वेदर इट कैन बी सेपरेटेड और नॉट विदाउट अफेक्टिंग द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ. इफ यस देन द इनकंसिस्टेंट पार्ट विल बी इनवैलिड एंड द कंसिस्टेंट पार्ट विल बी वैलिड. एंड अगर हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो द होल लॉ विल बी वॉइड एब इनिशियो, ठीक है. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर है कि इफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद FR, so FR will overshadow and it will become inoperative. However, if in future there is any constitutional amendment due to which this inconsistent part becomes again consistent, then this will again become operative. ठीक है, याद आया क्या? मैं समझा नहीं रही हूँ क्योंकि कल बहुत डिटेल में समझे थे. मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है. मैं बस क्विकली रिवाइज कर रही हूँ, जस्ट गोइंग थ्रू द टॉपिक्स. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग ये बोलता है कि अगर आज कोर्ट का कोई डिसीजन आया है तो उसका एप्लीकेबिलिटी आज के बाद से होगा, पहले से आप नहीं कर सकते, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्विएसेंस ये बोलता है कि अगर एक बार आपने कोई अपना अधिकार छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाता है, दोबारे आप उसमें लीगल एक्शन नहीं ले सकते. अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई छीन रहा है और आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप उसको अलाउ कर रहे हो, तो इस केस में आप अपना लीगल राइट लेने का अधिकार खो देते हो. बट नाम लिखा है तो पता होना चाहिए ना क्या है. और कई बार ना थोड़ा बहुत बुक के बाहर भी आ जाता है, यू कैन नॉट से, तो पता होना चाहिए. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लिख दिया तो वो तो समझाना पड़ेगा ना पूरा. कंटेंट इज नॉट मच, वर्डिंग ज्यादा है, बट मैंने पीपीटी बनाया इसलिए वो बड़ा बड़ा लग रहा है. देखो ना, बस दो ही लाइन तो है इसमें भी. पीपीटी बनाया है इसलिए बड़ा लग रहा है. इसमें भी बस दो ही सेंटेंस है, वो पीपीटी में बना है इसलिए वो बड़ा लग रहा है, ठीक है. दिस जस्ट टू एक्सप्लेन. उसके बाद केशवानंदा भारती वाला बहुत फेमस केस है जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि पार्लियामेंट को एक तमाचा मिला था कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है बट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? नाउ दिस विल बी डिटरमाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट. कुछ एग्जांपल्स दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, सिक्योर फीचर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, फेयर इलेक्शंस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑल दिस फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है. उसके बाद हमने आर्टिकल 14 स्टार्ट किया था. आर्टिकल 14 में गवर्नमेंट जो है गारंटी करती है EBL and EPL टू एवरी पर्सन इन इंडिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया.
वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दैट दिस राइट इज गिवन टू एवरी पर्सन हु इज विद इन द इंडिया. EBL, EPL का मतलब अभी तुमने जस्ट बताया तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी. आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन बोलता है मत करो मत करो, थोड़ा सा नेगेटिव है. गवर्नमेंट को बोल रहा है, गवर्नमेंट को बोल रहा है आर्टिकल 15(1), गवर्नमेंट को बोल रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सिटीजन्स के बीच में सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. 15(2) अगेन स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल, सभी लोगों को मना कर रहा है. कोई इंसान हो, प्राइवेट इंसान हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते कोई पब्लिक प्लेस में जाने के लिए या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को एक्सेस करने के लिए, रोक नहीं सकते, कंडीशन नहीं लगा सकते, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. बट कुछ एक्सेप्शंस हैं. यहाँ पर अपन ने बोल दिया कि आप सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे. बट हाँ 15(3) एक्सेप्शन बोल रहा है कि अगर आप वुमेन और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाते हो, स्पेशल प्रोविजन यानी कोई अलग से आप कानून बना रहे हो तो चलेगा, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे. 15(4) बोलता है कि अगर आप SEBC, SC और ST के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाते हो तो चलेगा. 15(5) बोलता है कि अगर आप SEBC, SC और ST के एडमिशन के लिए रिजर्वेशन करते हो तो चलेगा, बी इट गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. ध्यान में रखना कि यहाँ पर हम गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो तो उसमें भी रिजर्वेशन कर सकते हैं. और इवन इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस भी था क्या उसमें, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बुक में? हाँ देखो देखो होगा. आर्टिकल 15 था ना. यस पूर्वी याद आ रहा है, कल जो पढ़े थे. चलो ठीक है, मैं बुक में से देख के कवर कर लूंगी. आगे बढ़ते हैं. 15(6) में EWS के बारे में बात कर रहा है. पहले बोलता है कि EWS के हम जनरल प्रोविजन, जनरल एडवांसमेंट के लिए कोई भी लॉ बना सकते हैं. और एक और चीज बोला गया है कि उनके एडमिशंस के लिए भी हम रिजर्वेशन कर सकते हैं कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट हो, बट मैक्सिमम 10% तक कर सकते हैं. ये 103rd अमेंडमेंट में एड हुआ था. ठीक है, उसके बाद हमने क्या था, आर्टिकल 16 जो गवर्नमेंट जॉब की बात करता है कि हम हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे. 16(1) पॉजिटिव वे में बोलता है कि गवर्नमेंट सारे सिटीजन्स को, अगेन दिस 15 and 16 इज प्रोवाइडेड ओनली टू सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट ऑफिस में, स्टेट ऑफिस यानी गवर्नमेंट का ऑफिस. अब उसी चीज को 16(2) नेगेटिव वे में बोलता है. 16(1) बोल रहा है इक्वल दो, 16(2) बोल रहा है डिस्क्रिमिनेशन मत करो. तो एक ही बात है, दोनों का क्रक्स एक ही है, बट इसको पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है, इसको नेगेटिव सेंस में बोल रहा है. 16(2) में बोल रहा है कि आप सिटीजन्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे जॉब देने के लिए, गवर्नमेंट जॉब देने के लिए, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और दो एक्स्ट्रा थे इसमें, रेसिडेंस एंड डिसेंट. ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं. 16(3) बोल रहा है कि रेसिडेंस के बेसिस पे आप रिजर्वेशन कर सकते हो. 16(4) बोल रहा है कि बैकवर्ड क्लास के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो ओनली इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस. 16(4A) बोल रहा है कि आप SC/ST के लिए प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन कर सकते हो ओनली इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस. 4B बोलता है सीलिंग वाला कि अगर अनफुलफिल्ड वैकेंसी है तो वो नेक्स्ट ईयर के सीलिंग में ऐड नहीं होगी, यानी इट विल बी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा रिजर्वेशन. 16(5) बोलता है कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का ऑफिस है, वहां जॉब दे रहे हो, तो आप अपने रिलीजन वालों को फेवर दे सकते हो, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानेंगे, दैट इज अलाउड. तो हम ये कुछ चीजें हम अलाउ कर रहे हैं. और 16(6) में बोल रहा है EWS के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब में, बट मैक्सिमम 10%. तो इतना हमने कल किया था, जो हमने फटफट से रिवाइज कर लिया. आई गेस 20 मिनट्स लगे हमें रिवाइज, 20 नहीं 15 मिनट्स लगे हमें रिवाइज करने के लिए.
15 मिनट्स में हमने 4 दिन में जो पढ़ा, तीन दिन में जो पढ़ा वो हमने रिवाइज कर लिया स्टार्टिंग से। देखो रिविजन ऐसा ही होता है क्यूमुलेटिव। अब आज हम रिवाइज कर रहे तो हमने सिर्फ कल वाला रिवाइज नहीं किया, हमने चैप्टर को स्टार्टिंग से रिवाइज किया, राइट? तो इससे क्या हुआ, स्टार्टिंग वाले टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि तीन बार हो गया ना, वो पता नहीं चलता है, बट क्यूमुलेटिव रिविजन से वो होते जाता है। तो लॉ को इसी तरह से पढ़ा जाता है क्योंकि थ्योरी का थोड़ा अलग अप्रोच होता है पढ़ने का, प्रैक्टिकल का थोड़ा अलग अप्रोच होता है, ठीक है? जैसे अकाउंट्स में जब तुमको पढ़ाती थी तो मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाती थी क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, है ना? ये थ्योरी है, तो थ्योरी को इस तरह से पढ़ा जाता है। उससे क्या होगा, हमें समझ में भी आएगा और याद भी होते जाएगा। एक चीज क्या होता है ना, समझ में आने से भी कॉन्फिडेंस आता है और लॉ आपके याद रहता है ना, आपको दिमाग में याद रहेगा कि 14 में ये था, 15 में ये था, तो भी कॉन्फिडेंस आता है, दोनों से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है? तो दोनों ट्राई करना, समझने का भी और याद भी करने का, दोनों साथ साथ में, ठीक है? तो तुम क्या करो, अगर याद नहीं हो रहा है ना, जो पॉइंटर्स हैं उनको मार्क कर लो क्योंकि वो पैराग्राफ वाइज होता है बुक में। ये क्यों याद हो रहा है, क्योंकि हमने पीपीटी बना के रखा है। अगर तुम पैराग्राफ में पढ़ती ना तो ये भी तुमको याद नहीं होता। इकोनॉमिक्स याद नहीं हो पा रहा है तो पॉइंटर्स बना लो। पॉइंट नंबर वन, जैसे कोई टॉपिक है डिमांड, उसमें कितने पॉइंट्स है, बना लो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, और पॉइंट वाइज याद करो तो फिर याद हो जाएगा तुमको। पॉइंट वाइज याद करो, नंबरिंग दे दो, पैराग्राफ वाइज मत पढ़ो, पॉइंट वाइज पढ़ो, मेक सम बिग डिफरेंस। मेरे को बताना, मैं एक बार तुमको बता दूंगी कैसे पढ़ना है। चलो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट की जाए राधा, आज की क्लास स्टार्ट की जाए। आर्टिकल 17 थोड़ा स्पीड में मैं पढ़ाऊंगी आज, अगर नहीं समझ में आएगा ना मेरे को बोल देना, दीदी बिल्कुल घुसा नहीं दिमाग में, दोबारे से बड़बड़ कर दो, ठीक है? तो आर्टिकल, हाँ जी पूर्वी कह रही है, हाँ जी बिल्कुल चालू करो, ठीक है? चलो आर्टिकल 17 में आते हैं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है। आर्टिकल 17 किसकी बात कर रहा है, अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट पे भी अनटचेबिलिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, है हमें पता नहीं है। इवन मैं भी अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी कि अनटचेबिलिटी तो खत्म हो गई है ना, देन ही काउंटेड अ लॉट ऑफ केसेस टू मी कि आज की डेट पे भी अनटचेबिलिटी है, हमें पता नहीं चलता है बिकॉज इट डजंट कम इन द न्यूज वेरी ऑफन। बट अगर बैकवर्ड स्टेट्स पे देखा जाए तो बहुत जगह आज भी अनटचेबिलिटी है। अभी एक केस हुआ था, उसने मुझे बताया था, राजस्थान का एक केस हुआ था, किसी को तो भी मार दिया गया था जस्ट बिकॉज उसने कुछ छू दिया था या कहीं चला गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मतलब उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले थी, बट आज की डेट पे भी अनटचेबिलिटी है इवन आफ्टर राइटिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो टू गेट रीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स स्पेशली इन इंडिया। बट नेगेटिविटी में नहीं जाते हैं, चलो वापस आ जाते हैं। अनटचेबिलिटी यानी कि जैसे दलित्स को बोला जाता है ना कि वो अछूत हैं, सो उनको कुछ टच करने नहीं दिया जाता है। अगर वो कोई टच कर देंगे तो हम उसको अशुद्ध मान लेंगे कि ये अब इम्प्योर हो गया है। जैसे उनको पानी पीने वाला नल वगैरह टच करने नहीं दिया जाता था, आप ऐसे करो हम दूर से ऐसे फेंके मारेंगे। इवन दिस थिंग इज बींग एक्सरसाइज इन यूपी, बिहार, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में, बिहार में बहुत ज्यादा है, राजस्थान में बहुत ज्यादा है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया जाता है। अनटचेबिलिटी क्योंकि बी आर अम्बेडकर भी इस चीज के विक्टिम रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया कि अगर हमें इक्वालिटी को बढ़ाना है तो अनटचेबिलिटी हटाना पड़ेगा, तभी तो लोग बराबर आएंगे, लोग इक्वालिटी पे फोकस करेंगे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि अनटचेबिलिटी पाप है, अनटचेबिलिटी फोबिडन है, फोबिडन याने मना है, लॉ की लैंग्वेज में फोबिडन, फोबिडन याने मना, कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा, यानी कोई भी किसी को अछूत नहीं बोल सकता, कोई भी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि तुम यहाँ आ नहीं सकते, तुम ये टच नहीं कर सकते, तुम इस मंदिर के अंदर नहीं घुस सकते, तुम इस घर के अंदर, तुम इस जगह के अंदर नहीं घुस सकते, समझ रहे हो? अनटचेबिलिटी मना है, आप किसी को भी कोई चीज से डिनाई नहीं कर सकते जस्ट बाय कॉलिंग देम अनटचेबल, की यू आर अनटचेबल, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट टच दिस, यू कैन नॉट गो हियर, यू कैन नॉट गो देयर। अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन,
और अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसे लॉ के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। अब सवाल ये उठता है सजा कौन देगा, तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 35A1। मैंने तुमको बताया था कि फंडामेंटल राइट तो 32 तक है बट ये पूरा पार्ट 35 तक है, रिमेम्बर। तो देखो अब फंडामेंटल राइट में बहुत सारी चीजें दी गई हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, गवर्नमेंट हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, गवर्नमेंट हमें पब्लिक प्लेस में जाने से रोक नहीं सकती, इक्वालिटी करना होगा, गवर्नमेंट अनटचेबिलिटी नहीं कर सकती, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया तो क्या क्या सजा मिलेगी उनको? अगर गवर्नमेंट ने कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया तो क्या सजा मिलेगी? वो अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, वैसे तो आप सुप्रीम कोर्ट को रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो, उसके अलावा आर्टिकल है आर्टिकल 35A1, 35 के अंदर A2, इसके अंदर बोला गया है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि पार्लियामेंट उसको सजा दे सकती है, यानी पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर गुनाह के लिए सजा बता सकती है, किसके अंदर? आर्टिकल 35A2 के अंदर, और वही वाली सजा उसे मिली जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली से बोल दिया गया है आर्टिकल 17 एक लाइन का आर्टिकल है जो बोलता है अनटचेबिलिटी मना है, और अगर उसके बाद भी कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो ही विल बी पनिशेबल अकॉर्डिंग टू लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, कौन से कानून? आर्टिकल 35A2 के हिसाब से सजा मिलेगी। आर्टिकल 35A2 में लिखा है कि पार्लियामेंट इसकी सजा बताएगा, ठीक है, ओके। अब इसका एक केस लॉ था, एक केस लॉ था आपकी बुक में भी दिया हुआ है, केस लॉ का नाम है दवारा जिया वर्सेस पद्मन्ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है, ध्यान से सुनना। एक केस लॉ था कि दवारा जिया वर्सेस पद्मन्ना का, जिसमें एक जैन टेम्पल था। आप जैन की बहुत सारी कम्युनिटीज होती है अगर सुने होगे तो, जैन लोगों की। कोई जैन दोस्त है तुम्हारा? कोई नहीं है जैन दोस्त? मेरे बहुत सारे जैन दोस्त हैं। जैन लोगों की ना पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, उनके टेम्पल्स होते हैं, उनके जैन लोग आपस में मिलके कम्युनिटीज वगैरह बनाते हैं। तो ना जैन लोग की कम्युनिटी थी, उनका एक टेम्पल था, वहां पर उन्होंने बोल दिया था कि इस मंदिर में सिर्फ जैन लोग घुसेंगे, जैन के अलावा कोई नहीं घुसेगा, कोई घुस नहीं सकता, कोई जैन नहीं है आप इस मंदिर में घुस नहीं सकते। तो इसके ऊपर केस फाइल कर दिया गया कि आप लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अगर किसी को घुसने नहीं दे रहे हो इस टेम्पल के अंदर, मतलब आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ रहे हो? अनटचेबिलिटी मतलब क्या? तुम लोअर कास्ट के हो, तुम दलित हो, तुमको तुम यहाँ नहीं घुस सकते, अगर तुमने यहाँ पैर रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया उसके साथ बचपन में क्या हुआ था, बिहार से तो ही वॉज इन बिहार, एंड वहां पर उसके घर पे, उस घर पे नहीं मतलब जो सोसाइटी होती है, बिहार में गांव है ना उधर बहुत सारे गांव, तो वहां गांव में छोटे छोटे गांव में ना बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है। तो उनके मतलब एक रिलेटिव के यहाँ पर वो गए थे, और वहां पर कोई बाहर से कोई दलित आया होगा, गेट के बाहर खड़ा होगा दूर में, और उनको पता नहीं होगा कि वो दलित है करके, तो वो उनके पास जाने लगे, उनको पानी ऑफर करने लगे ग्लास में, लो पानी पी लो। And he started sounding, अरे सर नहीं पास मत आओ, अरे सर पास मत आओ, अरे आप पास मत आओ मेरे, और इस टाइप का कि नहीं नहीं मैं अंदर नहीं घुस सकता, आई कांट, और वो पानी ऑफर करने लगा लाइक माय फ्रेंड, तो ही वाज लाइक नो नो नो, एंड एवरीवन स्टार्टेड देन शाउटिंग, ये क्या कर रहा है, डोंट डू दिस, डोंट गो नियर टू हिम, ऐसा दिस एक्चुअली हैपेंड विद हिम, ही टोल्ड मी, आई वाज डिस्कसिंग दिस अनटचेबिलिटी एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन थिंग। सो द थिंग इज कि ये अनटचेबिलिटी मतलब आप किसी को कहीं आने से रोक रहे हो, कुछ छूने से रोक रहे हो कि नहीं नहीं गंदा हो जाएगा। अब एक जैन टेम्पल था वहां पर, उन्होंने बोला इस टेम्पल में सिर्फ जैन घुस सकते हैं, जैन के अलावा और कोई नहीं घुस सकता। तो क्वेश्चन ये उठा, बहुत लोग केस कर दिए कि यार ये लोग तो अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, ये लोग तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको सजा दो, ये बोल रहे हैं जैन के अलावा कोई घुस नहीं सकता, तुम्हारे हिसाब से क्या है, क्या ये अनटचेबिलिटी है? क्यों? क्योंकि वो लोग को मना कर रहे हैं। किन लोग को मना कर रहे हैं? जो भी जैन के अलावा जो भी, हाँ, तो क्या ये अनटचेबिलिटी है? देखो तुम्हारे हिसाब से है, मेरे को भी पहले ऐसा लगता था, बट फैक्ट्स ऑफ द केस को ध्यान से सुनना। होता क्या है अनटचेबिलिटी मतलब आप किसी को बोल रहे हो तुम लोअर कास्ट के हो, तुम दलित हो, तुम नहीं छू सकते, इम्प्योर हो जाएगा, समझ रहे हो, दैट इज अनटचेबिलिटी। आप अपर क्लास वालों को बोलो, आप सारे लोगों को बोल रहे हो तुम कोई नहीं घुस सकता, दैट इज नॉट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का इंटेंशन समझो ना, अनटचेबिलिटी का इंटेंशन क्या है, कि तुम लोअर कास्ट वाले हो,
तुम लोअर कास्ट वाले, तुम नहीं घुस सकते यहाँ पर, तुम इस मंदिर में नहीं घुस सकते, तो वो अनटचेबिलिटी है ना। यहाँ पर तो जैन लोग ने बोल दिया जैन के अलावा कोई नहीं घुस सकता, मारवाड़ी भी नहीं घुस सकता, तो क्या वो अनटचेबिलिटी है? नहीं, वो अनटचेबिलिटी नहीं है, ये सोशल बॉयकॉट है। इसे एक वर्ड दिया गया कोर्ट ने ही, कौन से कोर्ट में ये केस हुआ था मुझे याद नहीं है, पर कोर्ट ने ही ये वर्ड दिया कि यहाँ पर क्या हुआ, जैन टेम्पल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे कास्ट वालों को अलाउ कर रहा है, सिर्फ लोअर कास्ट वालों को अलाउ नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, सिर्फ जैन अलाउड है, जैन के अलावा कोई भी कास्ट अलाउड नहीं है। तो दिस इज अ सोशल बॉयकॉट, दिस इज नॉट अनटचेबिलिटी। इसको अनटचेबिलिटी तब मानते अगर वो सिर्फ लोअर कास्ट वालों को मना करता आने के लिए। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, कौन से कोर्ट में ये केस हुआ था मुझे याद नहीं है, कोर्ट का ये जजमेंट था कि इसे हम सोशल बॉयकॉट कहते हैं और ये अनटचेबिलिटी नहीं माना जाएगा। ये कौन सा केस है? ये केस है दवारा जिया वर्सेस पद्मन्ना का। विद दिस वी आर डन विद आर्टिकल 17। क्विकली लेट्स क्विकली रिवाइज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 दो लाइन का आर्टिकल है जो सबसे पहले ये बोलता है अनटचेबिलिटी इज फोरबिडन, 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 फोरबिडन। फोरबिडन मतलब मना है, मना है, मना है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर किसी ने किया तो ही विल बी पनिशेबल अकॉर्डिंग टू लॉ। नाउ विच लॉ? इट इज गिवन इन आर्टिकल 35A(2). According to that, Parliament can punish the person who is practicing untouchability. और इसका एक केस लॉ है दवारा जी वर्सेस पद्मन्ना, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अगर आप सोशल बॉयकॉट करते हो, यानी बोलते हो हमारे कास्ट के अलावा और कोई कास्ट ये नहीं छू सकते, यहाँ नहीं आ सकते, that is social boycott and that is not untouchability. Are we clear with this? आगे बढ़े। आर्टिकल 18 बहुत ही प्यारा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि आप किसी पर्सन को टाइटल नहीं दे सकते। अब बहुत ही एक बड़ा वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारी इंडियन स्टेट किसी भी इंसान को कोई टाइटल नहीं दे सकती। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे माइंड में? क्वेश्चन आया होगा अगर मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट किसी इंसान को टाइटल नहीं दे सकती। नहीं, चमार तो वो कास्ट हो गया ना। वही तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया ना, क्या क्वेश्चन आया? टाइटल मतलब आया क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ऑब्वियसली टाइटल का मतलब नहीं पता होगा, तुम कैसे समझोगे आर्टिकल 18 का मतलब? आर्टिकल 18 का टॉपिक है अबोलिशन ऑफ टाइटल। अबोलिशन यानी मना है, मना है, मना है, टाइटल यूज नहीं कर सकते। अब सवाल ही उठता है टाइटल क्या होता है, तो चले हिस्ट्री में रेट्रो। ओके चलो हिस्ट्री में, हिस्ट्री सुनने में मजा आता है ना, जो मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में चलते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था ना, जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था तो ना कुछ इंडियंस को लोग अपने चेले चपाटी बना लेते थे, ठीक है, अपना काम निकलवाने के लिए, और उनको ना टाइटल दे दिया करते थे, आप हैं नाइट, आप हैं राज बहादुर, सुने होंगे राज बहादुर, राजा साहेब, महाराजा, राजा, राजा महाराजा का टाइटल मिलता। ब्रिटिश के जमाने में भी राजा महाराजा तो हुआ करते थे ना, इंडिया में इंडिया के राजा महाराजा थे ना, क्यों? वो ब्रिटिश ने उन लोगों को टाइटल दिया था ताकि वो बाकी लोग से सुपीरियर महसूस करें और उनको जो है वो ब्रिटिश लोगों का काम करें, उनके बेसिकली चेले चपाटी बन के रहते थे वो लोग ब्रिटिशर्स के। जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था तब ब्रिटिशर्स ये टाइटल दिया करते थे इंडियन लोगों को एक पद में बैठाने के लिए, ताकि वो जो है ब्रिटिशर्स का काम करें, ठीक है, और इस तरह का टाइटल दिया जाता था, आप राजा हैं, राजा, महाराजा, राजा साहेब, राजा बहादुर, नाइट, सर, ये सब टाइटल दिया जाता था। टाइटल मतलब एक पदवी समझ लो कि आप हैं महाराजा राणा प्रताप डैश डैश डैश, ठीक है, समझ में आया? तो ये टाइटल दे दिया जाता था और इससे क्या होता था ना, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा था। क्यों? सब लोग बराबर नहीं हुए ना, जिन लोग को टाइटल मिल गया वो सुपीरियर फील करने लग गए, जिनके पास टाइटल नहीं है उनको तो लात मार के भगा दो, वो तो इंफीरियर फील कर रहे हैं, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। और कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हम इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं भाई, हमें तो डिस्क्रिमिनेशन कम करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे। ये फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी, मतलब हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है। डोंट यू थिंक इक्वालिटी को प्रमोट करने के पहले ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसे खत्म करना पड़ेगा? तो इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये लाइन स्पेसिफिकली डाल दिया गया कि कोई टाइटल नहीं मिलेगा किसी को, कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, किसी को कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा, किसी के नाम के आगे कोई टाइटल नहीं यूज किया जाएगा, महाराजा बाहुबली कोई टाइटल नहीं यूज किया जाएगा, समझ गए? तो आप अपने नाम के पहले जो यूज करते हो ना उसे टाइटल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे राजा साहेब एक्स वाई जेड, नाइट एक्स वाई जेड, समझ में आया?
तो पहले के जमाने में होता था, बट इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा था। आप किसी, सब आम आदमी है, एक इंसान को अगर आप टाइटल दे दोगे तो वो तो सुपीरियर हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगेगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट डिस्क्रिमिनेशन एंड इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्वालिटी, इसीलिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में टाइटल को प्रोहिबिट कर दिया गया। और तब से आया आर्टिकल 18(1) जो ये बोलता है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी इंसान को कोई भी टाइटल नहीं दे सकता, मतलब आप अपने नाम के पहले कुछ भी यूज नहीं कर सकते। बट इससे आपको डाउट आना चाहिए, कौन लोग कर रहे होंगे, मतलब गवर्नमेंट नहीं कर रहा है ना, गवर्नमेंट किसी इंसान को टाइटल नहीं दे सकता, मतलब जैसे गवर्नमेंट तुमको टाइटल नहीं दे सकता कि तुम अपने नाम के आगे राजा बहादुर लगा लो, तुम अपने नाम के आगे महाराजा लगा लो, राजा लगा लो, राजा रानी, रानी वैदे वैदे ही, रानी वैदे ही पधार रही हैं। पहले जमाने में होता था ना, रानी जोधा पधार रही हैं। रानी तो अलग हो गया, मेनली मेल्स के लिए होता था ये, राजा महाराजा, राजा भानु प्रताप सिंह पधार रहे हैं, वो अपने नाम के आगे जो यूज करते थे दैट इज टाइटल। बट गवर्नमेंट बेसिकली किसी भी इंसान को कोई भी टाइटल यूज करने नहीं दे सकती। अब तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए, आना चाहिए। मैं अपना नाम कहती हूँ, माय नेम इज सीएस इशिका अग्रवाल, क्या मेरे नाम के आगे टाइटल नहीं है? है, डिग्री हाँ, तो वो अलाउड है? कहाँ लिखा क्या है अलाउड है? तो जाएगा आगे पढ़ेंगे ना, ये डाउट आना चाहिए था तुमको दीदी। आगे इसमें ऐसा भी लिखा होगा ना कि डिग्री का यूज कर सकते हैं, नहीं तो गलत नहीं हो रहा था, मतलब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही हूँ? मैं अपना नाम कहीं भी सीएस इशिका अग्रवाल लिख पाती क्या? नहीं लिख पाती ना। अच्छा एक चीज और, पुलिस वालों का नाम सुनी हो, मिलिट्री, मिलिट्री वालों का, जो हमारी आर्मी होती है, इंडियन आर्मी, कभी मूवी वूवी देखी हो इंडियन आर्मी वाली? जनरल शेरशाह देखी हो? मेजर, मेजर बन गया हूँ, प्रमोट हो गया हूँ, जनरल मेजर ये सब होता है ना, वो लोग अपने नाम के आगे कैसे जनरल लगा लिए, कैसे मेजर लगा लिए, वो भी तो टाइटल है, क्यों कैसे लगा लिए, सोचो 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 सोचो, बताओ पूर्वी बताओ। अलाउड होगा ना, लिखा होगा कहीं ना कहीं, आगे पढ़े, 18 खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ अभी तो, 18(1) पढ़े है ना बस, आगे पढ़े। ठीक है, तो 18(1) बोलता है कि गवर्नमेंट किसी भी इंसान को, एक्सेप्शन पाएगा। 18(1) बोलता है कि गवर्नमेंट किसी भी इंसान को कोई टाइटल नहीं दे सकता। बट इसके मेनली दो एक्सेप्शन है। पहला कि अगर गवर्नमेंट मिलिट्री का टाइटल दे रही है तो वो दे सकती है, जैसे आप देखी होगी वो जो ये कॉलर होती है ना, यहाँ पर ये 3 स्टार होता है मतलब कैप्टन, अगर ये बना हुआ है मतलब आप जनरल हो, मेजर जनरल होता है, मेजर होता है, मेजर कैप्टन जनरल, मेजर जनरल और भी होता है, मतलब अगर किसी को मिलिट्री टाइटल दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं। क्या ये आर्टिकल 18 के अगेंस्ट है? नहीं, आर्टिकल 18 में अलग से अलाउ कर दिया गया एक्सेप्शन दे करके। उसी तरह अगर आपको कोई एकेडमिक टाइटल मिलता है, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो डॉक्टर का टाइटल हम यूज कर सकते हैं, CA CS, और भी बहुत सारे जितने भी आपको प्रोफेशन, जो आप प्रोफेशन पढ़ाई का जो आपको एकेडमिक टाइटल मिल रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम ये टाइटल जो है अपने नाम के आगे यूज कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल ऐसे नहीं लगा सकते। बट एक चीज और है, जो नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, इसका हिस्ट्री मैं भूल रही हूँ, मैं पढ़ी थी मेरे को याद नहीं आ रहा। नेशनल अवार्ड जानती हो, सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सुने होगे, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न, ये सारे अवार्ड होते हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, ये नेशनल अवार्ड्स होते हैं किसी को सम्मानित करने के लिए, और ये भी टाइटल होते हैं, भारत रत्न दिस दिस दिस, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये नेशनल अवार्ड्स। अब सवाल ये उठता है कि इसको तो अलग से एक्सेप्शन में नहीं डाला गया है, तो क्या ये, इसके ऊपर बहुत सारे केस हुए थे, सीरीज ऑफ केस हुए थे, मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी, मैं एकदम, मेरे दिमाग से उतर गई। चलो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है भी नहीं, नहीं किसी दिन अलग से बताऊंगी देख करके पढ़ करके। बट इसके ऊपर ना बहुत सारे केस हुए थे, सीरीज ऑफ केस हुए थे जिसमें ये आर्ग्यू किया गया था कि नेशनल अवार्ड बंद करो, ये टाइटल है, मतलब नेशनल अवार्ड दे रहे हो आप, मतलब टाइटल दे रहे हो,
और टाइटल तो प्रोहिबिटेड आर्टिकल 18 में, आप नहीं दे सकते अवार्ड। तो केस हुआ था बहुत सारा कि ये नहीं दे सकते, बंद करो, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब नहीं दे सकते आप, ये टाइटल है और ये आर्टिकल 18 के अगेंस्ट हो जाएगा। फिर बहुत कुछ हुआ था, मेरे को एकदम क्लिक नहीं कर रहा है, इसकी पूरी स्टोरी पता थी मेरे को। आखिरी में ये डिसाइड किया गया, कोर्ट का आखिरी में क्या जजमेंट था, मेरे को क्रक्स याद है आखिरी में क्या हुआ था। लास्ट में ये डिसाइड किया गया था, कोर्ट का लास्ट में ये जजमेंट था कि देखो इनको टाइटल नहीं माना जाएगा। क्यों क्यों टाइटल नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहाँ हम किसी को बस ऐसे ही टाइटल नहीं दे रहे हैं, जो ये अवार्ड दिया जाता है ना वो उनके मेहनत के लिए दिया जाता है। अगर कोई इंसान किसी फील्ड में कुछ एक्सेप्शनल काम करता है जो सम्माननीय योग्य होता है, तो उसे हम सम्मानित करने के लिए, ऑनर करने के लिए, उसे रिवॉर्ड देने के लिए ये दिया जाता है। किसी को टाइटल देने के पर्पज से हम पद्म भूषण, भारत रत्न नहीं दे रहे हैं। हम भारत रत्न दे रहे हैं किसी ने कुछ काम कर दिया इंडिया के लिए, किसी ने भारत के लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया है जो अवार्ड देने योग्य है, तो हम उससे रिवॉर्ड देने के लिए, एज अ गिफ्ट, नॉट गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड, एज अ सम्मानित करने के लिए, ऑनर देने के लिए हम उसे ये दे रहे हैं, तो इसे हम टाइटल बोलेंगे ही नहीं। पहले ये आर्ग्यू किया गया था कि दिस आर टाइटल, बहुत सारे केस हुए थे, एक केस में अगेंस्ट में भी जजमेंट आया था कि नहीं नहीं दिस आर टाइटल नहीं दे सकते। फिर दोबारे से केस हुआ और फाइनल जजमेंट ये निकल के आया था कि इन्हें टाइटल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये हम ऐसे ही किसी को नहीं दे रहे हैं, ये आपने कुछ काम किया, कुछ एक्सेप्शनल काम किया साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट्स में, देश के लिए कुछ बहुत अच्छा किया, तो उसके उसको रिवॉर्ड करने के लिए, वो एज अ उसका रेसिप्रोकेट करने के लिए कि आपने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया तो देश भी आपको ये इनाम देगा, तो उसको एज अ रिवॉर्ड करने के लिए हम ये सारे नेशनल अवार्ड देते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, इसलिए इन्हें टाइटल नहीं बोला जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? दैट वाज 18-1। नाउ 18-2 बोला गया कि कोई इंडियन सिटीजन फॉरेन स्टेट से भी टाइटल नहीं ले सकता। इसका मतलब मैं बता रही हूँ क्या होता है, पहले के जमाने में ना, अब ब्रिटिश रूल हो गया, ठीक है, अब मान के चलो कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, उसने हमें इंडियन को कोई टाइटल दे दिया, कोई टाइटल दे दिया, कुछ सम्मान, कोई पद दे दिया, डोंट यू थिंक दाल में कुछ काला है? दाल में कुछ काला है? अगर इंडियन सिटीजन फॉरेन गवर्नमेंट से, लेट्स से इंग्लैंड की गवर्नमेंट से हम अगर कोई टाइटल ले रहे हैं, तो डोंट यू थिंक हम उसके तरफ बायस हो जाएंगे, और वो कंट्री चाहे तो, इंग्लैंड चाहे तो हमारे, हमें यूज कर सकती है हमारे देश के अगेंस्ट। हो सकता है ना हम देशद्रोही बन जाएं, दूसरे देश से टाइटल लेंगे तो उनके लिए काम करेंगे, देश के लिए अगेंस्ट में काम कर सकते हैं। यही रीजन है कि 18-2 में मना किया गया कि कोई भी भारतीय सिटीजन, अब वर्ड का ध्यान रखना, सिटीजन की बात की गई है यहाँ, भारतीय नागरिक की बात की गई है, कि कोई भी इंडियन सिटीजन फॉरेन स्टेट से, चाहे दूसरा कोई भी देश हो, फॉरेन स्टेट यानी फॉरेन कंट्री, यहाँ पर फॉरेन स्टेट मतलब दूसरा देश से टाइटल नहीं ले सकता। अब ये रामनाथ कोविंद पुराने प्रेसिडेंट थे, तो इसलिए ये नोट्स मेरे थोड़े एक दो अटेम्प्ट पहले के बने हुए हैं, इसलिए उनकी फोटो है, इसको मुझे चेंज करके मुरमुर की फोटो डालनी है बेसिकली। हाँ, अगर कोई फॉरेन सिटीजन है इंडिया में और कोई इंडियन की गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करके रखा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान के चलो कि अब जैसे सोनिया गांधी है, पहले तो वो इटली से थी ना, ठीक है, पहले तो वो इटली से थी, बाद में ना वो इंडियन बनी राहुल गांधी से शादी करके। तो अब जैसे मान के चलो कोई दूसरे देश का भारत में आ गया, फॉरेन सिटीजन है, वो इंडिया में कोई ऑफिस होल्ड करके रखा है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट अंडर गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखा है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट से उसको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, कोई सैलरी मिल रही है, कोई बेनिफिट मिल रहा है, या फिर ऑफिस ऑफ ट्रस्ट यानी वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ फिड्यूशरी काम कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का कोई ट्रस्ट का पोजीशन यानी कोई भरोसे का पोजीशन होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो उस केस में अब अगर उसको फॉरेन से टाइटल लेना है, तो मान के चलो वो बंदा कहाँ का है, लेट्स से यूके का है, और यूके टाइटल देना चाहती है उस बंदे को, तो हम पूरा तो नहीं रोक सकते यहाँ। इंडियन सिटीजन को तो अपना बंदा है, उसको तो मना कर देंगे, भाई तू टाइटल ले ही नहीं सकता। अब कोई फॉरेन का है तो उसको पूरा तो मना नहीं कर सकते कि तू टाइटल ले ही नहीं सकता, तो उस केस में ना रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि चलो ठीक है आप ले सकते हो, बट प्रेसिडेंट की परमिशन लेके, ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट जो भी होगा, प्रेसिडेंट में द्रौपदी मुर्मू, तो उसकी परमिशन लेके। आर वी क्लियर विद दिस? तो अगर फॉरेन सिटीजन जो इंडिया में कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करके रखा है या गवर्नमेंट प्रॉफिट होल्ड करके रखा है, गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखा है, तो वो फॉरेन स्टेट से टाइटल ले सकता है, बट फॉर दैट ही नीड्स द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट।
क्यों प्रेजेंट की परमिशन लगेगी? आप बोलोगे इंडिया की परमिशन क्यों लगेगी, वो तो फॉरेन स्टेट है, फॉरेन सिटीजन को दे रही है। अरे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करके रखा है ना, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद है 18(4) जो ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन, अब यहाँ टर्म का ध्यान रखना, एनी पर्सन में सब आ जाते हैं, एनी पर्सन में भारतीय नागरिक भी आ जाता है, फॉरेन नागरिक भी आ जाता है, फॉरेनर सब आ जाते हैं। एनी पर्सन अगर मैं बोल रही हूँ तो ध्यान रखना उसमें इंडियन सिटीजन भी आ जाएगा, फॉरेनर भी आ जाएगा। तो अगर कोई भी पर्सन है जो इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड करके रखा है इंडियन गवर्नमेंट में और उसे फॉरेन से कोई बेनिफिट मिल रहा है, प्रेजेंट यानी गिफ्ट, एमोल्यूमेंट और ऑफिस, एमोल्यूमेंट यानी किसी भी तरह का बेनिफिट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड, अगर उसे कैश मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, डोनेशंस मिल रहा है, पद मिल रहा है, कोई ऑफिस मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है किसी भी तरह का, डोंट यू थिंक दाल में कुछ काला है? बोलो क्यों दे रहे हैं इंडियन को पैसा, इंडियन भी नहीं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट में ऑफिस होल्ड करके रखा है, फॉरेन वाले करोड़ करोड़ रुपए गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ दाल में काला होगा ना, जब करोड़ रुपए कोई किसी को दे रहा है, सोने चांदी गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा सारा, कोई बहुत बेनिफिशियल कुछ दे रहे हैं, पद दे रहे हैं कोई, डोंट यू थिंक दाल में कुछ काला है? तो इस केस में गवर्नमेंट की थोड़ी टेढ़ी नजर रहेगी, कहीं वो बंदा इंडिया के अगेंस्ट तो काम नहीं करेगा उस देश से मिलजुल के, तभी तो उनके लिए कुछ काम तो नहीं कर रहा है, तभी वो लोग पैसे भेज रहे हैं इसको, समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पर मना है कि कोई भी इंसान जो गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिस होल्ड करके रखा है, अगर उसको फॉरेन स्टेट से यानी फॉरेन कंट्री से कोई प्रेजेंट इमोल्यूमेंट या ऑफिस मिलता है किसी भी तरह का, तो फॉर दैट यू नीड टू टेक, चेक करेगा, अगर सब सही लगेगा तो परमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हाँ, इट विल बी वन टाइम ना, एवरी टाइम यू आर एक्सेप्टिंग इट यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है? सो विद दिस वी आर डन विद आर्टिकल 18। क्विकली रिवाइज करें, सबसे पहले आर्टिकल 18(1) जो ये बोलता है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी पर्सन, सिटीजन, पर्सन यहाँ पर वर्ड है एनी पर्सन, तो इंडियन सिटीजन भी आ जाएगा और फॉरेनर भी आ जाएगा, मतलब क्या इंडियन गवर्नमेंट मेरे को टाइटल दे सकता है? नहीं। इंडियन गवर्नमेंट जस्टिन बीबर को टाइटल दे सकता है? नहीं। इंडियन गवर्नमेंट तो दे ही नहीं सकता, इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी टाइटल नहीं दे सकता, बट इसके एक्सेप्शन है मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल चलेगा। 18(2) बोलता है कि इंडियन फॉरेन गवर्नमेंट भी इंडियन सिटीजन को टाइटल नहीं दे सकता, फॉरेन सिटीजन ना, फॉरेन कंट्री इंडियन सिटीजन को टाइटल नहीं दे सकता। 18(3) बोल रहा है कि फॉरेन कंट्री फॉरेन सिटीजन को टाइटल दे सकता है जो कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करके रखे हैं विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, और 18(4) बोलता है कि फॉरेन कंट्री किसी भी पर्सन को कोई गिफ्ट, प्रेजेंट, एमोल्यूमेंट या ऑफिस देगा हु इज होल्डिंग अ ऑफिस इन इंडिया, इन दैट केस ही नीड्स परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। वेरी क्विकली डन। आर वी क्लियर विद दिस? यस। एक सेकेंड सांस ले लो और एक बार ट्राई करो माइंड में रिवाइज करने का, उसके बाद जो है हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इमेज बैठा लो दिमाग में, नहीं भूलोगी। मेरे को ऐसे याद नहीं था, मैं आग बंद करके इमेज याद की कैसा था, 35 के बाद ए था, दिख गया मुझे, मुझे पिक्चर दिखी, मुझे याद नहीं आया, पिक्चर दिखी, इमेज बैठा लिया करो दिमाग में। पीपीटी का ये बेनिफिट है, बट मैंने सारे चैप्टर की पीपीटी नहीं बनाई है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की पीपीटी बनाई है। ये पीपीटी बनाने में कितना टाइम लगता है पता है? वैसे तो बहुत टाइम लगता है, बनानी चाहिए। शॉर्ट नोट्स है, कंपनी लॉ के शॉर्ट नोट्स है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टॉर्ट्स के शॉर्ट नोट्स है, सीएस एक्ट में बुक से पढ़ाती हूँ। हाँ, सारे चैप्टर्स हैं। पूर्वी समझ में आया ये टॉपिक? यस, पूर्वी ये टॉपिक समझ में आया? यस,
यस ओके ग्रेट। ये तो हो गया 17 हो गया 18 भी नहीं। लो जी देख लो सा 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 तो सा देवी देवी हो गया देवी। नेशनल अवार्ड टाइटल है कि नहीं है? नेशनल अवार्ड टाइटल है कि नहीं है? नहीं नहीं रिवॉर्ड है। वेरी नाइस। लिखा हुआ है क्या वहां? टाइटल नहीं है रिवॉर्ड है। लिखा है क्या कि तुम अपने? टाइटल लेते हाँ ठीक है ठीक है। तुमको नहीं दिख रहा होगा ना? परेशान। हाँ हो गया नीचे वाले में भी गया। वेरी नाइस ठीक है आगे बढ़ सकता है। ओके सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल राइट। तो आज हमें फंडामेंटल राइट कंप्लीट करना था ना? हाँ सर अभी तो फर्स्ट में ही है ना अपन या होगा। ट्राई करेंगे कल हो जाएगा ठीक है। राइट टू फ्रीडम हम ट्राई करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हाँ ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कम बताऊंगी थोड़ा स्पीड अप करेंगे। ठीक है हमारा पहला हो गया राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम आजादी आजादी आजादी। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। 19 20 21 22 चार आर्टिकल आते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 20 21 22 19 बहुत अच्छा है। आर्टिकल 19 जो है ना 6 फ्रीडम प्रोवाइड करता है। अब देखो 6 राइट्स फंडामेंटल राइट्स अलग थे। राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम। अब जो दूसरा वाला राइट टू फ्रीडम है उसके अंदर 4 है आर्टिकल 19 20 21 22। फिर आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम है। ये मैं एक एक करके समझाऊंगी। अब देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं आर्टिकल 19 1 ठीक है। आर्टिकल 19 स्टार्ट करते हैं। 14 15 16 17 18 हमारा हो गया है। 14 इक्वालिटी की बात करता है। 15 बोलता है डिस्क्रिमिनेशन मत करो। 16 बोलता है कि जॉब में डिस्क्रिमिनेशन मत करो। 17 बोलता है अनटचेबिलिटी मत करो। और 18 बोलता है कि टाइटल मत दो। ठीक है ओके। 19 बोलता है फ्रीडम दो फ्रीडम दो फ्रीडम दो। सबसे पहला 19 1 19 1 छह फ्रीडम गारंटी करता है किसको? सिटीजन को। तो इससे ये बात समझ में आ गई यहाँ पर किसको बेनिफिट मिल रहा है? सिटीजन्स को मिल रहा है। समझ में आया ओके। अब इसमें पहले तुमको मैं बताऊं 7 फ्रीडम मिलते थे हमें। ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी ई एफ जी कितने हुए? 7। पहले 7 फ्रीडम थे फिर जो एफ वाला है ना वो डिलीट कर दिया गया और इसीलिए अब 6 फ्रीडम है। ए बी सी डी ई जी। एफ वाला क्या हो गया? डिलीट हो गया। समझ में आया ठीक है। तो 19 1 A 19 1 B से रीड कैसे करते हैं? 19 1 A 19 1 B 19 1 C 19 1 D 19 1 E 19 1 F डिलीट हो गया है 19 1 G ठीक है। अब ये 5 फ्रीडम क्या है मैं एक एक करके समझाऊंगी। सबसे पहला है तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप जो चाहे कह सकते हो जो चाहे बोल सकते हो। चोंगा लेके घूमना है घूमो जो बोलना है बोलो। आपको बोलने का अधिकार है। अब मैं इंटरनेट में कुछ भी पब्लिश कर सकती हूँ हाँ मेरा मन मेरे को जो लिखना मैं लिख सकती हूँ बिल्कुल। जैसे हम मान के चलो मेरे को इंटरनेट में पब्लिकली नरेंद्र मोदी को गाली देनी है तो मैं दे सकती हूँ क्या? नहीं पक्का क्यों? यहाँ तो बोल रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड तो एक्सप्रेशन है। आगे जाके एक्सेप्शन दे देगा यही तो कर रहा है। हाँ रिजर्वेशन एक्सेप्शन
आई कैन सी योर फ्रस्ट्रेशन. ठीक है ठीक है. सो देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप जो चाहे बोल सकते हो, आप जो चाहे एक्सप्रेस कर सकते हो. मीनिंग अब आपको पब्लिक इंटरनेट में कुछ पब्लिश करना है, आप करो. आपको गाना गाना है, आप गाओ. ठीक है, आपको पोएट्री लिखनी है, आपको स्टोरी लिखनी है, आप लिखो. आपको न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश करना है, आप करो. यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. और इसीलिए तो ये जर्नलिस्ट लोगों का काम आ जाता है ना, जर्नलिस्ट लोगों का, न्यूज रिपोर्टर्स लोगों का. कैन दे डू सो? यस, दे हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब इसके अंदर भी ना बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो ओनली वन टॉपिक यू नो विल टेक. एक एक टॉपिक में आप बहुत ज्यादा डिस्कशन कर सकते हो. जैसे बहुत सारे केस लॉ हुए थे कि क्या फ्रीडम टू स्पीच ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ बींग साइलेंट. फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे बोलने का अधिकार है, तो क्या मुझे चुप रहने का भी अधिकार है? यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ बींग साइलेंट. ये मैं कुछ एडिशनल ज्ञान बता रही हूँ. और एक और बात बताना चाहती हूँ मैं. अब जैसे आपको बोलने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार है अपने आपको, तो क्या इसका मतलब ये है आपको स्ट्राइक्स और लॉकआउट में जाने का अधिकार है, दंगे करने का अधिकार है? क्या इसका मतलब ये है? नहीं, ऑफ कोर्स यस. तो अगर आप दंगे कर रहे हो, जला रहे हो पूरा शहर को, दंगे कर रहे हो, तो दैट इज नॉट योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यहाँ वहां पर ये बोला जाएगा कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मिसयूज कर रहे हो. फ्रीडम, अगर आप साइलेंट स्ट्राइक पे जाते हो, यानी बिना किसी को परेशान किए, बिना कोई दंगे वंगे किए, अगर आप साइलेंट स्ट्राइक पे जाते हो, तो ऑफ कोर्स दैट यू कैन डू, बट आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते उससे. ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस देयर इज अ फ्रीडम, बट इट हैज टू बी यूज पॉजिटिवली. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी. अब सवाल ये उठता है कि आपके पास बोलने का अधिकार है, तो क्या मैं कुछ भी बोल सकती हूँ? क्या मैं नरेंद्र मोदी को गाली दे सकती हूँ पब्लिकली कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो बहुत उल्टा सीधा बोल सकती हूँ? क्या केस हो जाएगा? क्यों केस हो जाएगा? मेरे पास तो फ्रीडम है, आर्टिकल 19(1)(a) है मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपके पास है फ्रीडम, बट आपके पास बिल्कुल फ्रीडम है, बट जरूरत पड़ने पर आपके फ्रीडम को रोक दिया जा सकता है. अब यू नो इसमें ना, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इट आल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ यूजिंग इंटरनेट. मुझे इंटरनेट में अपने आप को एक्सप्रेस करना है, मुझे यूट्यूब में, मुझे इंटरनेट में पब्लिश करना है, आर्टिकल पब्लिश करना है इंटरनेट में, समझ रही हो? मुझे इंटरनेट में अपने आप को एक्सप्रेस करना है. कर सकती हूँ? यस, कर सकती हूँ. सो यू नो दिस 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ यूजिंग इंटरनेट इनडायरेक्टली. तो मेरे पास फ्रीडम ऑफ यूजिंग इंटरनेट है, कोई मेरे यहाँ इंटरनेट बैन नहीं कर सकता, कोई इंटरनेट बंद नहीं कर सकता. आई हैव फ्रीडम ऑफ यूजिंग इंटरनेट, समझ रही हो? तो अब सवाल ये उठता है कि वैसे तो हमारे पास राइट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट क्या गवर्नमेंट चाहे तो जरूरत के समय हमारे इस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है? यस. तो आर्टिकल 19(1)(a) ये बोलता है फ्रीडम है हमारे पास. आर्टिकल 19(2) बोलता है कि आप इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो 8 केसेस में. पहला, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए, इंडिया की इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए आपको जो है एक्सप्रेस करने से रोक दिया जा सकता है. मान के चलो कि इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर पे जा रही है, या कोई टेंशन चल रहा है दूसरी कंट्री के साथ, और आपको वो डिटेल्स के बारे में पता चल गया, इंडिया और उस कंट्री के बारे में जो चल रहा है, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल गया. अब गवर्नमेंट आपको बोल देगी इंडिया की सॉवरेनिटी का सवाल है, आप ये इन्फॉर्मेशन बाहर किसी को भी पब्लिश नहीं करोगे, ये आप सिक्योरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं तो जाके गांव में ढिंडोरा पिटूंगी? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जेन्युइन रीजन के लिए, जेन्युइन रीजन के लिए आपके इस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है. हाँ, ऐसे ही अपने मन से नहीं कर सकती. गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती मेरा मन कर रहा है मैं आपका फ्रीडम छीन लेती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लेती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती. बट इफ देर आर दिस 8 केसेस, इन 8 केसेस में इफ गवर्नमेंट फील्स दैट इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग दिस, फॉर मेंटेनिंग दिस 8 थिंग्स, इफ गवर्नमेंट फील्स दैट इट इज नेसेसरी टू रेस्ट्रिक्ट योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन गवर्नमेंट कैन, दे आर परमिसेबल, बट ओनली फॉर दिस 8 रीजंस. इसके अलावा किसी भी और रीजन के लिए गवर्नमेंट आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक नहीं सकती. पहला, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. जब 370 हटा था, जम्मू और कश्मीर में दंगे हो गए थे, बहुत ज्यादा दंगे हो गए थे, लोग स्ट्राइक्स पे जाने लगे थे, पूरा जलाने वलाने लग गए थे, बहुत गंदे से दंगे हो गए थे,
तो उस समय ऑलमोस्ट एक साल डेढ़ साल तक जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन रहा था। पहले तो पूरा ही बैन था, बाद में लो स्पीड वाला चालू हो गया था, 2G 3G कुछ, ठीक है। तो अब वहां पर जो है इंटरनेट बैन किया जम्मू कश्मीर में, जब वो हुआ था तो इंटरनेट पूरा शटडाउन हो गया था, वो लोग कॉल नहीं कर पा रहे थे, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो वहां के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी कि हमारे पास फ्रीडम टू यूज इंटरनेट है, हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, आप इंटरनेट बैन नहीं कर सकते, आप इंटरनेट वापस से चालू करो। बहुत लंबा केस चला था, दो बहुत सारे केस हुए थे जब जम्मू कश्मीर में केस हुआ था ना, तब इवन लॉकडाउन तक ये चला था, 2019 में हुआ था, 2019 के बाद 2020 में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन तक जो है लॉकडाउन के दौरान भी वहां पर इंटरनेट शटडाउन चल रहा था। अप्रोक्स मिड ऑफ 2020 में जो है उनका इंटरनेट शटडाउन धीरे धीरे करके बाद में जो है उनका इंटरनेट हटा था, इंटरनेट शटडाउन मोर देन वन ईयर। और जो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन हुआ था वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन है, मतलब डेढ़ साल के लिए, ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है डेढ़ साल के लिए। इतना लंबा आज तक पूरी दुनिया में कहीं भी इंटरनेट शटडाउन नहीं हुआ है, तुम सोचो ना, तुम एक दिन बिना इंटरनेट के रह सकते हो? डेढ़ साल इंटरनेट शटडाउन रहा है वहां, वहां के लोग कितना सफर किए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मतलब वही जानते हैं, स्पेशली कश्मीर उधर साइड। सो वापस आते हैं टॉपिक पे कि वहां पर ना ये केस हुआ कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आप इंटरनेट चालू करो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला था, सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू आया कि नहीं, गवर्नमेंट ने इसलिए किया है क्योंकि अगर अभी गवर्नमेंट वहां इंटरनेट शटडाउन नहीं करेगी तो जम्मू कश्मीर खतरे में आ जाएगा, बहुत ज्यादा दंगे वंगे चल रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए, वहां की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां अभी इंटरनेट बंद ही रहे, लॉकडाउन ही रहे, वहां पर कर्फ्यू वगैरह रहे। तो इसीलिए जो है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए उस समय वहां पर वो हुआ था इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। तो वैसे तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, बट अगर गवर्नमेंट को लगे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए जरूरी है तो वो आपके इस फ्रीडम को छीन सकती है। तीसरा, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। अगर आपको कोई दूसरे देश की और हमारी कोई खुफिया जानकारी मिल गई, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और उससे हमारा फ्रेंडली रिलेशन अफेक्ट हो सकता है, जैसे इंडिया और यूएस का रिलेशन अफेक्ट हो सकता है आपकी वजह से, आप कुछ कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो उससे, तो आपका फ्रीडम छीन लिया जा सकता है अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आपकी वजह से इट विल अफेक्ट द फ्रेंडली रिलेशन ऑफ इंडिया विद फॉरेन कंट्री, ठीक है। तीसरा, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दंगे वंगे हो रहे हैं, बहुत आप दंगे कर रहे हो, स्ट्राइक्स पे जा रहे हो, पूरा जला रहे हो चीजें, हड़ताल कर रहे हो, तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट आपकी इस फ्रीडम को छीन सकती है। चौथा, अगेन डिसेंसी मॉरलिटी, आप कुछ इमोरल काम कर रहे हो, मार काट कर रहे हो, जला रहे हो चीजें, तो डिसेंसी एक डिसेंसी सेम पब्लिक ऑर्डर एक जैसा पॉइंट है, डिसेंसी मॉरलिटी मेंटेन करने के लिए अगर आपके स्पीच से अगर गवर्नमेंट को लगता है कि देश में विद्रोह पैदा हो रहा है, देश में लोग आप इमोरल कर रहे हो लोगों को, या गलत चीजें फैला रहे हो, तो आपके स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गवर्नमेंट रोक सकती है इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसेंसी एंड मोरलिटी। चौथा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट का उल्लंघन करना, कोर्ट के पालन नहीं करना। अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिसमें आप कोर्ट को जो है नीचा दिखा रहे हो, या कोर्ट की किसी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तो उस केस में भी आपका फ्रीडम छीन लिया जा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डेफेमेशन, जैसे मैंने नरेंद्र मोदी की बुराई बोला ना, डेफेमेशन एक लीगल वर्ड है, एक टॉट है, और क्राइम भी है, इसका मतलब होता है कि किसी का रेप्यूटेशन हार्म करना, ठीक है। जब हम किसी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं ना, तो उसे डेफेमेशन बोला जाता है। जैसे तुम देखी होगी वो क्या नाम है, वो जो बाप बनता है ना सारी मूवीज में, क्या नाम है उसका, वो जो विवाह में जो उसका चाचा बना है, क्या नाम है उसका, वो मोटू, विवाह मूवी नहीं देखी हो, उसमें जो वो है ना, वो मोटू, क्या नाम है उसका, नॉट रिमेम्बरिंग, आलोकनाथ, करेक्ट। आलोकनाथ के ऊपर ना बहुत लोग उल्टा सीधा कमेंट कर दिए थे कुछ लोग, कि वो अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ उल्टा सीधा करता है, ऐसा वैसा, मतलब उसकी रेपुटेशन को लेकर के बहुत उल्टा सीधा बोल दिए थे। तो आलोकनाथ ने ना उनके ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल कर दिया कि ये लोग जबरदस्ती मेरे रेपुटेशन को हर्ट कर रहे हैं। डेफेमेशन मतलब फेम, मतलब नाम, डेफेमेशन मतलब बदनाम करना, अगर हिंदी में बोले तो बदनाम करना, किसी को बेफालतू का बदनाम करना, ठीक है। तो अगर आप किसी के बारे में पब्लिकली कुछ उल्टा सीधा बोलते हो जिससे उसके
उसको बदनाम कर रहे हो आप, दैट इज डेफमेशन। तो अगर मैं नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टा सीधा पब्लिकली बोलूंगी, दैट इज डेफमेशन, वो नहीं कर सकती मैं। अगर मैं वो करती हूँ तो उस केस में गवर्नमेंट मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन सकता है। लास्टली इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे आप लोगों को ऑफेंस करने के लिए इंसाइट कर रहे हो, यानी ऑफेंस करने के लिए कह रहे हो। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस मींस यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एन ऑफेंस, यू आर asking people to do the offense, you are influencing people to do an offense, you are not doing offense but you are basically influencing others to do the offense, you are helping others in doing the offense. aap bol rahe ho logo ko jao murder karo, main dunga tumhare sath, main karta hu, aap logo ki help kar rahe ho offense karne mein, aap logo ko utsahit kar rahe ho, influence kar rahe ho to do any offense ya crime ya koi bhi cheez, to us case mein government aapka freedom of speech and expression chheen sakti hai. aap ek love this, to in 8 cases mein गवर्नमेंट आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। और मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ, जितने भी फंडामेंटल राइट हमने पढ़े, सारे फंडामेंटल राइट में एक चीज है कि अगर गवर्नमेंट को लगे कि हम अपने फंडामेंटल राइट का मिसयूज कर रहे हैं और कोई रीजनेबल रीजन हो गवर्नमेंट के पास, जेन्युइन रीजन, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट यानी रोक सकती है कुछ हद तक, अगर गवर्नमेंट को लगे कि ये जरूरी है, ठीक है, जेन्युइन रीजन है गवर्नमेंट के पास, तो उस केस में। और इसीलिए बोला जाता है कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब बस कह दिया कोई छीन नहीं सकता, एब्सोल्यूट मतलब मेरे पास है, मतलब है किसी भी सिचुएशन में मेरे से छीने नहीं जा सकते, ठीक है। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, क्यों? क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन, नॉट एमरजेंसी, एमरजेंसी राइट वर्ड नहीं होगा, जेन्युइन रीजन के केस में, रीजनेबल रीजन के केस में गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, डेफिनेटली। समझ में आया? जो पॉइंट तुम पूछ रही थी ना, नॉट एब्सोल्यूट वाला समझ में नहीं आया, वो ये वाला पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि अगर जरूरत लगे तो गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट को रीजनेबल रीजन के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 19(1)(b). 19(1)(b) टॉक्स अबाउट राइट टू पीसफुली, 19(1)(b) ना, कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? ये सिर्फ पर्सन के ऊपर है या कि आप केस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वो भी तो है, आप अगर सिर्फ दिखा रहे हो, बट हाँ अगर उसमें फैक्ट्स हैं तो वो नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव कि वो एक्चुअल में डिफेमेशन है या दैट इज एक्चुअली रॉन्गफुली यूज्ड, ठीक है, या उससे आप कोई ऑफेंस कर रहे हो या डिफेमेशन, वो एक्चुअल में डिफेमेशन, इफ दे आर फैक्ट्स। सो मोस्टली जैसे कोई मूवी है जैसे कश्मीरी फाइल्स वगैरह हो गए, उसमें दे फैक्ट्स आर शोन, राइट। बट हाँ अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत है या उसमें जबरदस्ती किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो आप डेफिनेटली जो है आप केस फाइल कर सकते हो। It will, Supreme Court will just see, court will see what is being done here. ठीक है, ये हुआ। तो अभी हम वापस आ जाते हैं, टेबल याद है, 19(1) में 6 फ्रीडम मिले हैं। पहला हो गया 19(1)(a), दूसरा 19(1)(b), ठीक है, 19(1)(b) में आ रहे हैं हमने, 19(2) हो गया ना, 19(2), अब हम वापस पीछे जा रहे हैं 19(1)(b) में। ये रहा ना 19(2), 19(2) में, 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बट उसके जो रेस्ट्रिक्शन है वो 19(2) में दिए हुए हैं। समझ में आया? ठीक है, अब वापस आते हैं 19(1)(b) में। 19(1)(b) बोलता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब अगर ये 10 लोग हैं, ये लोग एक जगह इकट्ठा होना चाह रहे हैं बिना दंगे किए, बिना मारकुट किए, बिना उसके हथियार के, तो हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, एवरीवन हैज अ फ्रीडम। हम, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी का एग्जाम्पल, मेरी शादी का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, दीपिका पादुकोण की शादी हो रही है और वो अपनी पार्टी में 5,000 लोगों को बुलाई है, 5,000 लोग को इकट्ठा किया, कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ लिखा है? हमारे पास फ्रीडम है, कहाँ? आर्टिकल 19(1)(b) में, कि हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि सब आओ तुम AK-47 लेके आओ, मैं DP-28 लेके आऊंगा, दूनेंगे सबको, ठीक है, विदाउट आर्म्स। बट इसलिए तो मार्वल देखती हो? मार्वल देखियो, ठीक है, मैं अभी बोलने वाली थी, तभी तो कैप्टन अमेरिका बोल पाता है, एवेंजर्स असेंबल,
नहीं समझ में आया? ठीक है। पूर्वी देखी है मार्वल? पूर्वी ने देखा है मार्वल? ठीक यस। 3 साल से तो टीवी नहीं देखते हैं। देखो मजा आती है। पूर्वी ने देखा है मार्वल? यस। क्योंकि तुम हीरो, अब तुम हीरो। ठीक है। अब बताओ, कोविड के दौरान। मुझे लगी रहती थी आप फोन से क्या हाँ तो तुम बोली क्यों नहीं? दिमाग में नहीं चल रहा था तो बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये कोविड तो मना था ना वो पढ़ाई हाँ, से। 5 लोग से ज्यादा लोग एक एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। जब रिस्ट्रिक्शंस कम हुए थे, लॉकडाउन हटा था, तो भी तो रिस्ट्रिक्शन था ना। शादी के लिए भी रिस्ट्रिक्शन था, 50 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे ब्राइड साइड से, ग्रूम साइड से 100 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। बीच बीच में रिस्ट्रिक्शन आया था ना कि 50 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, 100 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, और 5 से ज्यादा लोग आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते जनरली, ये था ना। तो ये तो कैसे ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है? हमारे पास तो राइट है ना टू मैंने असेंबल। तो बोला है कि अगर किसी सरकम ऐसे ले सकते कहाँ बोला है? अभी तो बोला था कहाँ? अपन। आप बता रहे थे ना कि फंडामेंटल ये नहीं, फंडामेंटल में ऐसा एब्सोल्यूट नहीं है। बट इसके लिए अलग से पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग 1903 में। ठीक है, 1903 में ना 1901B के रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, 1903 में 1901B के रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, जिसका शॉर्टकट है SIP, जो ये बोलता है कि दो सिचुएशन में, यानी कि सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मेंटेन करने के लिए और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट हमारे इस राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, और इसीलिए पब्लिक ऑर्डर में आ जाता है। तो कोविड के दौरान देखते हुए, टाइम को देखते हुए, इस फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, इस फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि आप कहीं भी असेंबल नहीं हो सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, अदरवाइज कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके आपको 1,000 लोग को इकट्ठा करना है, 2,000, 5,000, 10,000 लोग को इकट्ठा करना है, जितने लोग को इकट्ठा करना है करो, यू कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तीसरा है 1901C, फॉर्म एंड एसोसिएट यूनियन और कॉपरेटिव सोसाइटी। आपको आपस में मिलके सोसाइटी बनानी है, कम्युनिटी बनानी है, जैसे हमारी सोसाइटीज होती है ना, जैसे हमारी परिवार की सोसाइटी है। ठीक है, ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशन हम बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम ऐसा बना सकते हैं? यस, ये हमारे पास फ्रीडम है कि आप एसोसिएशन बना सकते हो, सोसाइटी बना सकते हो, कम्युनिटी बना सकते हो, आपस में यूनियन बना सकते हो। बट अगेन 1904 में 1901C के रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि 4 केस में इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, फॉर सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरलिटी। द शॉर्टकट इज SIPM एंड द डी इज यू हैव फ्रीडम टू मूव थ्रूली मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, क्या मैं कर्नाटका में शिफ्ट हो सकती हूँ? मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, क्या मैं वेस्ट बंगाल शिफ्ट हो सकती हूँ, जम्मू कश्मीर शिफ्ट हो सकती हूँ, केरला शिफ्ट हो सकती हूँ? मेरी मर्जी। क्या मेरे को कोई रोक सकता है? मैडम पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट हाँ इंडिया में तो इंडिया नहीं में तो नहीं लगेगा, इंडिया के बाहर जाने के लिए लगेगा ना। क्या मैं इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में जा सकती हूँ? कोई रोक है कि नहीं? छत्तीसगढ़ से बाहर कदम नहीं रख सकती, पाँव नहीं रख सकती, ऐसा कुछ रोक टोक है क्या? नो, ऐसा कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, 1901D हमें फ्रीडम देता है कि वी कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द हाँ उसके टेरिटरी ऑफ एक्सेप्शन है का कि अंदर इंडिया। ऐसे ऐसी कंडीशन में अपन इसका नहीं कोई जा एक्सेप्शन नहीं है। क्यों नहीं आया लेकिन आना चाहिए ना जा सकती हो तुम, कहीं भी जा सकती हो। अभी। लेकिन मान लो जब वहां जम्मू कश्मीर में दंगे और तब तो जाना अलाउ नहीं होगा हाँ, तो वो रीजनेबल जनरल पॉइंट्स में आ जाएगा, इसके लिए अलग से स्पेसिफिक कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब पांचवा है 1901E, जो ये बोलता है कि आप रिसाइड, रिसाइड याने रहना, सेटल याने प्रॉपर वहीं पर सेटल हो जाना, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप अपना घर बार कहीं भी सेटल कर सकते हो। मैं अभी छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, अगर मैं अपना पूरा घर बार ले जाके प्रॉपर क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में सेटल हो जाती हूँ, तो हो सकती हूँ क्या? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यस, दिस इज इंडिया। इंडिया पूरा भारत देश हमारा है, हम कहीं भी जा सकते हैं फ्रीली, हम कहीं भी जाके शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। वी हैव दिस फंडामेंटल राइट गिवन इन 1901E, वी कैन रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद है, हाँ,
अच्छा है उसका रिस्ट्रिक्शन, 19(1)(d) का भी रिस्ट्रिक्शन है, डी का और ई का एक साथ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ, क्योंकि एक साथ पॉइंट है ना, एक जैसे पॉइंट है। डी बोल रहा है कि इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, ई बोल रहा है इंडिया में कहीं भी सेटल हो सकते हो, तो डी और ई एक जैसा पॉइंट है, तो दोनों के रिस्ट्रिक्शन एक साथ 19(5) में दिए हुए हैं दोनों के। 19(1) में फ्रीडम है, 19(2), 3, 4, 5 में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। 19(5) बोल रहा है कि दो रीजन के वजह से, यानी जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए और एक शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट के लिए जो है आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ये सेकेंड वाला पॉइंट बता रही हूँ। कई सारे ना शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना अलग अलग, मतलब प्रॉपर ट्राइब के जो घूमते रहते हैं अलग अलग जगह जाके सेटल होते हैं, कुछ कुछ ट्राइबल एरियाज होते हैं वो ट्राइबल लोग रहते हैं, कुछ जो ट्राइबल लोग होते हैं जैसे तिबेतियन लोग होते हैं, जान रही हो, तिबेतियन लोग होते हैं ऐसा, तो कुछ कई जगह ट्राइबल पीपल्स होते हैं, ट्राइबल पीपल्स, तो वहां पर आप जाके सेटल नहीं हो सकते क्योंकि उनका वो लोग थोड़ा अलग तरीके से रहते हैं, दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल लिविंग विथ यू। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट के लिए आपका इस राइट को रोका जा सकता है, ठीक है, जस्ट फॉर द शेड्यूल्ड एरियाज, कि अगर आपको शेड्यूल्ड एरियाज में जाके, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज यू कैन से, ट्राइबल एरियाज में जाना भी, अगर इफ दे से अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो फॉर मेंटेनिंग देयर इंटरेस्ट, ताकि उनको अजीब फील ना हो, दे शुड बी कंफर्टेबल, दे शुड नॉट फील कि हमारे यहाँ कोई भी आ गया इस टाइप का। सो शेड्यूल्ड जो ट्राइबल एरियाज होते हैं थोड़ा अलग होते हैं, दे लिव डिफरेंटली, नॉट लाइक अ नॉर्मल पीपल, सो दैट इज वाई ट्राइबल एरियाज में अगर आपको जाना है, सेटल होना है, तो गवर्नमेंट चाहे तो रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ दैट शेड्यूल्ड पर्टिकुलर ट्राइब। इट्स नॉट कंपल्सरी कि रिस्ट्रिक्शन होगा ही, बट इफ देयर इज अ नेसेसिटी एंड इफ दे वॉन्ट इट फॉर मेंटेनिंग देयर इंटरेस्ट, देन दिस, if they raise objection, the tribal people, if they raise objection, then this restriction can be placed, this freedom can be restricted in two cases, for maintaining the interest of general public and for maintaining the interest of scheduled tribe. Are we clear with this? Article 19(1)(g), freedom to practice any profession or to carry out any occupation, any trade, any business. मेरे को दवाई दुकान खोलनी है, मैं खोल सकती हूँ? क्यों? लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, हाँ उस पे भी मैं आऊंगी। अच्छा, मेरे को ग्रोसरी दुकान खोलनी है, मैं खोल सकती हूँ? हाँ। मेरे को डॉक्टर बनना है, मैं बन सकती हूँ? वापिस से चल जाओ क्लास 11th में। नहीं नहीं नहीं, मैं अगर अपना पूरा डिग्री गिव अप कर दूंगी तो मैं फिर वापस क्लास 11th, हाँ मतलब, लेकिन सब गिव अप करना पड़ेगा ना, एवरीथिंग आई गेस, मतलब होना चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है। सो मेरे को लॉयर बनना है, मैं बन सकती हूँ? हाँ। मेरे को एज ए CS प्रैक्टिस करना है, मैं कर सकती हूँ? मेरे को टीचर बनना है, मैं बन सकती हूँ? आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कैरी आउट कर सकते हो, कोई भी। मेरे को दारू की दुकान खोलनी है, मैं खोल सकती हूँ? नहीं। क्यों? दारू इलीगल है, बट ऐसे ओपन में बिक सकते हैं। हाँ, ओपन में बिकता है, तुम कुछ ज्यादा सीधी हो। तुम बहुत सीधी हो। ठीक है भैया से पूछना, ठीक है। तुम गोवा गई हो उसके बाद ऐसा क्वेश्चन कर रही हो? ठीक है। अब पूर्वी, तुम्हें पता था ये बात, दारू अलाउड है? दारू ना अल्कोहल स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट उसके लिए अलग अलग लॉ बना सकती है। सिर्फ दो स्टेट्स में, तीन स्टेट्स में अल्कोहल बैन है, गुजरात, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग स्टेट्स, बट ये स्टेट के ऊपर है। सेंट्रली अल्कोहल इज नॉट बैंड, अल्कोहल इज नॉट इलीगल, अल्कोहल इज अवेलेबल। कुछ कुछ स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बैन कर सकती है। अब जैसे अगर भूपेश बघेल गवर्नमेंट चाहे तो वो छत्तीसगढ़ में अल्कोहल बैन कर सकती है, अभी छत्तीसगढ़ में बैन नहीं है, मतलब इट इज लीगल। आप दारू की दुकानें हैं, आप दारू की दुकान में जाओ,
वहां पर से दारू लो आप पियो. इट्स नॉट इलीगल. इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. अगर कोई स्टेट चाहे तो वो अपने स्टेट में इलीगल बना सकती है. ठीक है, ये स्टेट सब्जेक्ट है. जैसे मैंने बताया था ना, कुछ कुछ चीजों पे लॉ स्टेट बनाती है, कुछ कुछ चीजों पे लॉ सेंट्रल बनाती है. तो जैसे ये जो अल्कोहल वाला मैटर है, इसमें सेंट्रली दारू पे कोई बैन नहीं है. ठीक है, ये स्टेट सब्जेक्ट है. स्टेट चाहे तो अपने स्टेट के लिए रूल बना सकते हैं. गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात स्टेट के लिए बोल दिया हमारे स्टेट में दारू इलीगल है, हमारे स्टेट में दारू बैन है. समझ रही हो? वैसा दो एक दो स्टेट्स में और है. क्यों करना चाहिए? तुमको पता है कितनी परसेंट पॉपुलेशन अल्कोहल पीती है? तुम नहीं मिली हो ना ऐसे लोगों से. बाहर जाओ, बाहर की दुनिया देखो, तुमको मिलेंगे ऐसे लोग. ठीक है, तुम बहुत सीधी हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि प्रैक्टिस. आप कोई भी धंधा कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, दिस फ्रीडम. बट अगेन, इस फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. वो दिया 1906 में फॉर थ्री रीजन. इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, और दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो. दूसरा प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन. जो तुम बोल रही थी कि डॉक्टर बनना है तो दीदी MBBS करना पड़ेगा, साइंस लेके पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो वो जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी है वो आपको करना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं कर सकते. अब जैसे अगर मेरे को लॉयर बनना है तो मुझे LLB क्लियर करना पड़ेगा, एडवोकेट की एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी. मुझे CS प्रैक्टिस करना है तो मुझे CS क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही मैं कर सकती हूँ. तुम अभी CS प्रैक्टिस कर सकती हो क्या? नहीं. अगर उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन जरूरी है तो पहले वो करना पड़ेगा. ठीक है, तुमको इंजीनियर बनना है तो तुमको साइंस फील्ड में ग्रेजुएशन करना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मुझे पायलट बनना है तो मुझे उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. उसके हर चीज के लिए एग्जाम्स होती हैं. वो मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी करनी पड़ेगी. द पॉइंट इज, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, बट हाँ, अगर उसके लिए कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रोफेशन नेसेसरी है तो वो लेना पड़ेगा. अब जैसे दारू का मैंने बताया, मैं दारू का बिजनेस करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ, हाँ, बट दारू की दुकान खोलने के लिए ना गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है. तो वो लाइसेंस लो और चालू करो. जैसे पेट्रोल पंप हो गया, पेट्रोल पंप आपको खोलना है, आप खोल सकते हो, बट पेट्रोल पंप चालू करने के लिए गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता है. वो लाइसेंस लो, चालू करो. ठीक है, तीसरा स्टेट कंट्रोल. अगर किसी फील्ड को लेकर के गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे पास कंट्रोल रहे, जैसे मैंने रेलवे का आपको एग्जांपल दिया था, थोड़े टाइम पहले तक रेलवे पूरी सिर्फ इंडियन रेलवे ऑपरेट करती थी, किसी भी प्राइवेट इंसान को अलाउड नहीं था रेलवे ऑपरेट करना. तो क्या मैं रेलवे खोल सकती हूँ? क्या मैं एक नई ट्रेन चालू कर सकती हूँ? नहीं. क्यों? क्योंकि वो चीज स्टेट के कंट्रोल के अंदर है. तो इन तीन केस में हमें हमारे राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन वाले फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. समझ में आया? ठीक है, समझ में आया. तो बेसिकली 19(1) में हमने 6 फ्रीडम पढ़े और 19(2) से लेके 6 में उसमें रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है. अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, हमने पढ़ लिया कि इस रीजन के वजह से हमारे फंडामेंटल राइट में, हमारे फ्रीडम्स में रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. अब उसके लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स है 19(2) से लेके 19(6) के लिए. कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं. क्या कॉमन पॉइंट्स हैं? पहला, वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होने चाहिए. वो रिस्ट्रिक्शन क्या होने चाहिए? वो रिस्ट्रिक्शन क्या होने चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए. एंड they should be only on the grounds specified under 19(2) to 19(6). ये तो आपको पता है, जो 19(2) से 19(6) में grounds दिए हैं, सिर्फ उसी grounds के basis पे आप restriction लगा सकते हो. और जो restriction लगाओगे वो भी reasonable होना चाहिए. unlimited restriction नहीं लगा सकते कि तुम जिंदगी भर अपना freedom of speech and expression exercise नहीं कर सकते. ये reasonable नहीं है. जो restriction लगाओगे वो भी reasonable होगा. जैसे तुम एक महीने के लिए हम तुम्हारा ये right छीनते हैं, वो reasonable होना चाहिए. और आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा. बिना लॉ बनाए आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. यानी लॉ बनाना पड़ेगा, यानी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो लॉ बना के रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑर्डर देके रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती. मतलब अगर मिनिस्ट्री चाहे तो वो ऑर्डर देके ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती. अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास करना पड़ेगा, तब आप वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो. समझ रहे हो? ये सब तो ऑलरेडी है ना लिखा. बट जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा. वो लॉ बना के रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा. समझ रही हो? रीजन तो चलो ठीक है, इसमें होना चाहिए. बट जो रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा. वो लॉ बना के तुम उस लॉ में रिस्ट्रिक्शन को डालोगे.
ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू नहीं कर सकते, और वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाओगे वो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। आर वी क्लियर विद दिस? इसी के साथ हमारा आर्टिकल 19 होता है कंप्लीट। एक बार जो है ना रिस्ट्रिक्शन तो चलो ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार देख लेना, पर ये पूरे 6 के 6 फ्रीडम आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। बहुत ईजी है, स्टोरी की तरह याद करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ तो मैंने मान के चलो मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, तो मैं बोल करके आपको स्पीच दे करके इनवाइट कर रही हूँ कि कल मेरी बर्थडे पार्टी में आना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 10 लोग आ गए तो हम असेंबल हो गए, तो इससे दूसरा वाला पॉइंट आ गया, असेंबल पीसफुली विदाउट हार्म। अब हम लोग ने असेंबल करके ना एक सोसाइटी कम्युनिटी बना ली, ग्रुप बना लिया, तो इससे तीसरा वाला पॉइंट आ जाएगा, फॉर्म एसोसिएशन यूनियन सोसाइटी। अब हम लोग ने डिसाइड किया कि हम पूरे इंडिया में घूमेंगे और महाराष्ट्र में जाके सेटल हो जाएंगे, तो इससे नेक्स्ट पॉइंट आ गया, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और फिर महाराष्ट्र में सेटल होकर हम दारू की दुकान खोलेंगे, तो वहां पर से नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑक्यूपेशन। चलो गोवा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने डिसाइड किया चलो गोवा ट्रिप बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने तुम लोग को स्पीच एक अपना एक्सप्रेस किया, चलो गोवा चलते हैं, पहला पॉइंट। कल मीटिंग रखते हैं गोवा जाने के लिए, तो सब लोग आ गए, कल असेंबली हो गया, अब अपन ने मिलकर के ग्रुप बना लिया, ग्रुप बनाते हैं, चलो ग्रुप बना के गोवा जाएंगे, तो हमने ग्रुप बना लिया, फिर जाएंगे गोवा, तो मूव फ्रीली, फिर वहां जाके परमानेंट सेटल हो जाएंगे, फिर गोवा में जाके दारू की दुकान खोलेंगे। तो ये स्टोरी याद कर लो, स्टोरी से पूरे 6 पॉइंट आसानी, स्टोरी से ही याद करना, बिना स्टोरी के 1-2 पॉइंट भूल जाओगी तुम, स्टोरी से करोगी ना, गोवा वाली स्टोरी लिख लेना, गोवा स्टोरी, तो पूरे 6 पॉइंट याद रहेंगे। तो फटफट से इसको घूर लो एक बार, और ये पूर्वी तुम भी ये 6 पॉइंट्स पूरे याद कर लो, ये 6 फ्रीडम पूरे याद कर लो फटफट से, ठीक है, हो गया यार। सुनाओ। हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ उसके बाद अपन वो किए सबको बुलाए ना, मतलब उसके बाद आएगा कोई ऑक्यूपेशन, पूरा बोलो, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, नहीं तो पता होना चाहिए ना कि इसमें प्रोफेशन भी बोल रहा है, ऑक्यूपेशन भी बोल रहा है, ट्रेड और बिजनेस सब अलग अलग होता है ना, प्रोफेशन अलग होता है, ऑक्यूपेशन अलग होता है, ट्रेड अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, ऐसा चारों बोलना पड़ेगा, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, ऐसा प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस चारों बोलना पड़ेगा, ठीक है। रिसाइड और सेटल दोनों बोलना पड़ेगा, रिसाइड सेटल, Reside, settle in any part of the territory of India. Location क्या लिया गया है? पूरा इंडिया की टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ इंडिया, मूव थ्रूली टू थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन एक बार देख लेना कि सब में इस रीजन की वजह से रिस्ट्रिक्शन लगाया, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉवरेनिटी यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस, पूर्वी को याद हो गया, पूर्वी को याद हो गया, पूछ ली तुम सा सा, मैं भी सीख रही हूँ, सारे गम पर नि सा, हाँ हाँ पर पूरा नहीं आता, अभी सीख रही हूँ, दोनों सीख रहे हो, अलग शौक चढ़ाया, अभी सीखोगी? हाँ अच्छा, अभी तुम्हारा पेपर है, पेपर के बाद सीख लेना, केस
नहीं ये सब ना, म्यूजिक सीख कोई भी चीज सीखने ना पेशेंस चाहिए म्यूजिक के लिए स्पेशली, एक बार में नहीं आता है। और वो कैच से हाँ भी सीखी हो, आता है? अब भूल गई, बाकी तो प्रैक्टिस छूट गई, हाँ बाकी बीच में किससे सीखी थी? ये चीज हो गया कलेक्शन कौन बॉडी कलेक्शन वेयर एंड लूज लेडीज है कि लड़की है? लेडीज लेडीज है। अच्छा ग्रीड वाला सिखाई थी क्या? नीचे पर जाना तो मैं अच्छा बन जाता अब इतनी गंदी प्रैक्टिस छूटी है ना। ऐसा नहीं होता, एक बार अगर आ गया ना तुमको, तुम जब भी पेंसिल उठाओगी ना तो जितना तुमको आता था ना वो बन जाएगा। ऐसा लगता है कि भूल गए, बट भले तुम 1 साल बाद बनाओ 2 साल बाद बनाओ, जो स्किल्स रहती है ना वो भले थोड़ा हो सकता है हाँ, लेकिन वो याद आ जाएंगी तुमको। ऐसा नहीं है कि वो कोई काम का नहीं होगा, तुम दोबारे से पेंसिल उठाओगे ना थोड़ी देर में बनने लग जाएगा तुमको वापस से। चलो वापस से कंटेंट पे आते हैं। अब देखो आर्टिकल 19 अपन ने किया, 20 और 21 ना तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तुम्हारी बुक में है नहीं, पर मैं पढ़ाऊंगी। एक बार 21 बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। पूर्वी बताओ समझ में आया कि नहीं तुमको? याद हुआ, समझ में तो आ गया, तुमको याद हुआ कि नहीं ये आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 याद हो गया क्या? ओके आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 पढ़ के बताओ क्या समझ में आ रहा है? किसी को भी इसकी फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए, किसी को छीन नहीं सकते, जीने हाँ, राइट टू लाइफ मतलब का अधिकार, जीने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी मतलब पर्सनल पर्सनल फ्रीडम, यू कैन से लिबर्टी। पर्सनल फ्रीडम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तुम जो सांस ले रही हो ना वो अधिकार तुमको आर्टिकल 21 देता है। तुम जो फ्रीली सांस ले रही हो, अब तुम वो मूवी देखी हो दे दनादन? हाँ वो ठीक है, वो जैसे पानी का बैग ऐसे तैर रहा था, खूब पानी ओह वही याद आती है, वही गॉड, देखा। याद है तुमको दे दनादन? उसमें जो अक्षय कुमार था वो क्या था, वो जो मोटी था, मोटी थी अर्चना, उसका स्लेव था वो, उसका उस वो कैसे उसका आजीवन लेबर था वो। आजीवन मतलब याद है, देखी हो, याद है कुछ हाँ याद आ याद रहा है? है थोड़ा थोड़ा, ये याद है कि हाँ वो जो अक्षय कुमार था उसके बाप ने अर्चना से लोन लिया था जो नहीं चुका पाया, तो वो बोला था जब तक मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा मैं लाइफ टाइम तुम्हारा क्या रहूंगा, नौकर बन के रहूंगा। तो वो नहीं चुका पाया, उसका बेटा आया अक्षय कुमार, अक्षय कुमार भी उसका बॉन्डेड लेबर बन गया। बॉन्डेड लेबर मतलब आजीवन उसका लेबर, वो जो बोलेगी उसी का लेबर रहेगा, वो जो बोलेगी वही करेगा, खुद का कोई जीने का खुद का मतलब खुद कुछ नहीं कर सकता वो। एंड फॉर द लाइफ टाइम वो अर्चना जो बोलेगी वो करेगा मरते दम तक। जैसे कटप्पा, कटप्पा तो याद होगा, बाहुबली कटप्पा, कटप्पा क्या था, स्लेव था, किसका, माहिष्मति का, गुलाम था, उसका जीवन माहिष्मति के लिए था, माहिष्मति के राजा के लिए वो उसका स्लेव है। आजीवन, आजीवन मतलब मरते दम तक वो उनके पूर्वजों से चला आ रहा था ना कटप्पा के, कि मेरे बाप भी था मैं भी हूँ, ठीक है, आजीवन मतलब मेरा जीवन इसी के लिए न्योछावर है। क्या वो पर्सनल लिबर्टी है? नहीं, आपको आजाद होके जीने का अधिकार है, आपको कोई स्लेव नहीं बना सकता। जैसे स्लेवरी पहले होती थी ना, आजादी से पहले ब्रिटिश लोग इंडियंस को क्या स्लेव बना के रखे थे ना, वो चीज नहीं हो सकती। आर्टिकल 21 बोलता है हर किसी को जीने का अधिकार है, एवरीवन हैज अ पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम है, एक आप किसी का स्लेव बन के नहीं रह सकते, आपको आजाद रहने का अधिकार है, ठीक है। इसमें इवन चाइल्ड स्लेवरी भी आ जाती है, आप चाइल्ड को भी स्लेव बना के नहीं रख सकते, वुमेन का भी आ जाता है, वुमेन को भी नहीं रख सकते, समझ में आया? तो यहाँ पर आ जाता है आर्टिकल 21, एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत अगर इंटरेस्ट होगा ना कभी तो इसके बारे में बहुत डिटेल्स में आर्टिकल्स पढ़ना, बड़ा मजा आएगा, अलग अलग केस लॉ पढ़ने को मिलेगा, नई नई चीजें। सो यहाँ पर आर्टिकल 21 में आते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्री राइट, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम। फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम में आता है आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। 19 अभी हमने पढ़ लिया, 20, 21 को, 20 को एक बार के लिए हॉल्ट रखो, अभी हम पढ़ रहे हैं 21। ये भी राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, तो ये भी एक प्रकार का फ्रीडम है। आर्टिकल 21 स्पेसिफिकली बात करता है कि हमारे पास जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट इसमें भी बोल दिया एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब इस
पर्सनल लिबर्टी को भी जो है इस फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है लॉ के द्वारा, लॉ बना करके, बट ओनली इफ कोई जेन्युइन रीजन होगा तो ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम मुझे लॉजिकली बताओ ये वाला राइट हर सिटीजन को देंगे कि हर पर्सन को देंगे? हर पर्सन को देंगे ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि जीने का अधिकार तो सबको है ना। जस्टिन बीबर इंडिया में आएगा तो उसको गला तो नहीं काट देंगे, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस राइट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन। देखो ना लाइन, देखो ना क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, यानी ये वाला राइट आम इंसान के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। यानी अगर कोई आम इंसान आपका मर्डर करता है ना तो वो आर्टिकल 21 के अंदर नहीं आएगा। अगर गवर्नमेंट आपको मारती है, अगर गवर्नमेंट आपका मर्डर करती है तो वो आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। यानी दिस आर्टिकल गिव्स प्रोटेक्शन टू पीपल और पर्सन अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी से उसका पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकती। अब इसको बहुत डिटेल में आगे जाके समझते हैं कि हमारे को दो राइट मिल रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर, राइट टू लाइफ, दूसरा राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार है। जीने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? खाना पानी, घर, रोटी कपड़ा मकान जरूरी होती है। तो अगर मैं कहूं मेरे पास जीने का अधिकार है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ मुझे पानी का अधिकार है, रोटी का अधिकार है, कपड़ों का अधिकार है, बिना कपड़े के जी सकती हूँ मैं? नहीं। और शेल्टर यानी छत का अधिकार है। तो राइट टू लाइफ यानी हर पर्सन के पास राइट टू लाइफ है, तो इनडायरेक्टली उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। ये सिर्फ एग्जांपल है ना, ये सब सिर्फ एग्जांपल है जो कोर्ट केसेस के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ है कि हाँ राइट टू लाइफ में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अगर मेरे पास जीने का अधिकार है, मेरे पास मतलब लाइवलीहुड का अधिकार है, लाइवलीहुड मतलब रोटी कपड़ा मकान, मेरे पास गुड हेल्थ का अधिकार है, मेरे पास अधिकार है मेडिकल केयर का कि अगर मैं चाहूं तो मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए, मेडिकल केयर मिल जाए। तभी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं ना, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकता है ना, कोई भी इंसान जा सकता है। राइट टू ह्यूमन डिग्निटी का अधिकार है, बिना डिग्निटी के आप रह सकते हो क्या? नहीं, आपके एक डिग्निटी होती है, एक स्टेटस होता है, आपको राइट टू डिग्निटी का अधिकार है। आज के डेट पे बिना एजुकेशन के कोई जी सकता है? नहीं, आज के डेट पे एजुकेशन जीने के लिए जरूरी, पैसे कमाने के लिए जरूरी है। तो हमारे पास जीने का अधिकार है, इसका मतलब इनडायरेक्टली हमारे पास एजुकेशन लेने का अधिकार है। पॉल्यूशन फ्री एयर और वाटर में रहने का अधिकार है, जो कि आप देख नहीं सकते, दिल्ली तो गैस चैम्बर बन गया है, ठीक है? तो पॉल्यूशन फ्री एयर वाटर, आप पॉल्यूशन फ्री एयर वाटर में रहने का अधिकार है, क्लीन एनवायरमेंट रहने का अधिकार है, नॉइज पॉल्यूशन ना हो उसका अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है। मतलब ये नहीं कि कोई लेके चोंगा 24 घंटे चोंगा चला रहा है आपके घर में, धूम 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 आवाज आ रही है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है ना आपका, वो क्या जीने को इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल। आपकी अगर कोई धूम 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 24 घंटे डीजे बजा रहा है, आपके घर में आवाज आ रही है, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, वो आपके राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। नहीं तो नॉइज पॉल्यूशन आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, राइट टू स्पीच है, लेकिन वही मैं बोली ना कि उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते, ठीक है? राइट टू स्पीच है, बट अगर आप स्पीकर्स यूज कर रहे हो, बड़े 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 स्पीकर्स यूज कर रहे हो और इतना जोर से आप म्यूजिक बजा रहे हो कि पूरे मोहल्ले वालों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये ना गलत होता है, ये टॉर्ट में भी आ जाता है कि आप इतना जोर जोर से स्पीकर बजा रहे हो कि पूरे मोहल्ले वालों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो नॉइज पोल्यूशन में आ जाता है। नॉइज पोल्यूशन मत करो, ठीक है? तो आप उसके अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हो। सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन एक मिलेगी आपको आपके फैमिली की, कोई भी आपके फैमिली के साथ गलत नहीं कर सकता, चोरी चकारी ये सब जीने का अधिकार है, मतलब हमें ये सारी चीजों का अधिकार है इनडायरेक्टली। अब पर्सनल लिबर्टी मतलब क्या होता है? देखो पर्सनल लिबर्टी मतलब कोई भी आपको स्लेव नहीं बना सकता, कोई भी आपको बिना रीजन के उठा के नहीं ले जा सकता, किडनैप नहीं कर सकता, इवन पुलिस बिना रीजन के, बिना FIR के, बिना नोटिस के आपको पुलिस उठा के नहीं ले जा सकती, पुलिस जेल में नहीं ले जा सकती। That is known as illegal detention. Illegal detention, अब ये एक broad term है, personal liberty. अब personal liberty क्या है? ये court determine करेगा कि personal liberty में क्या क्या आएगा, और through number of cases court ने बताया कि personal liberty में ये आता है कि आपको कोई illegally detain करके नहीं ले जा सकता, यानी बिना reason के हमें कोई उठा के नहीं ले जा सकता, पुलिस भी नहीं, unless and until उसके पास सबूत हो हमारे अगेंस्ट, ठीक है? दूसरा राइट टू प्राइवेसी के अधिकार है, मेरा फोन कोई चेक नहीं कर सकता, ठीक है? मेरे घर में कोई बिना परमिशन के नहीं घुस सकता कोई बाहर वाला, प्राइवेसी का अधिकार है आपको, ये आता है आपके राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंदर, ठीक है? अगर मैं रूम में हूँ, मेरे पर्सनल रूम में कोई कैमरा नहीं लगा सकता,
मेरे रूम में कोई कैमरा नहीं लगा सकता क्योंकि ये मेरे राइट टू प्राइवेसी के अंदर आ जाएगा। अगर कोई आपके रूम में कैमरा लगा करके आपकी प्राइवेट पिक्चर्स ले लेता है तो वो आपका आर्टिकल 21 वायलेट कर रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो कि मेरा राइट टू पर्सनल लिबर्टी यहाँ पर इंफ्रिंज किया गया है, वायलेट किया गया है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आ जाता है और इसमें इवन राइट टू ट्रैवल अब्रॉड आता है। मेरे को जाना है मालदीव्स हनीमून पे, जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हूँ, बट उसके लिए क्या लगेगा? पति लगेगा। वेरी ट्रुथ। दुख देख रही हो मेरा, दिख रहा है दुख? पति दुख दिखा? बहुत जोर जोर से दिख रहा होगा। ठीक है, चलो पति चाहिए। एक इमेजिन कर लेते हैं, विजय देवरकोंडा बाजू में खड़ा है। ठीक है, जानती हो ना? हाँ ठीक है, थैंक गॉड। विजय देवरकोंडा बाजू में खड़ा है, तो अब मुझे पति के साथ मालदीव्स जाना है तो मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल, ऑब्वियसली पासपोर्ट चाहिए। क्या मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बिना रीजन के पासपोर्ट देने के लिए मना कर सकते हैं? नहीं। उससे क्या होगा? मेरा राइट टू ट्रैवल अब्रॉड हैम्पर होगा। और पर्सनल लिबर्टी चाहिए मेरे को? देखो, इंडिया के अंदर जाना है तो वो तो 19 में भी आ जाएगा, इंडिया के बाहर जाना है ना तो वो 21 में आ जाएगा। मेरे को जाना है, मैं जा सकती हूँ, मेरे को दो पासपोर्ट। आप मेरे को बिना रीजन के पासपोर्ट देने के लिए मना नहीं कर सकते। और इसके साथ मेरे साथ भी केस हुआ है। मैं और मेरा भाई, हम लोग भाई बहन लोग सब कोई अंबिकापुर गए थे पासपोर्ट बनवाने के लिए। यहाँ का वेरिफिकेशन अंबिकापुर में होता है, सूरजपुर में नहीं है वेरिफिकेशन ऑफिस। पासपोर्ट में अप्लाई करने के बाद ना फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, तो हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हम अंबिकापुर गए थे। और वहाँ का वो जो पासपोर्ट ऑफिसर था, नाम नहीं लेंगे हम, नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लेती हूँ, वो पासपोर्ट ऑफिसर बहुत रूड था, बहुत ज्यादा रूड था। उसने क्या किया, अनाप शनाप सवाल पूछा था। जब डॉक्यूमेंट लिखा है कि बस एक आधार कार्ड चाहिए, कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जितने लॉ के हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो हम लेके गए थे, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था, ये भी दो। हमें आ गया गुस्सा, हमने उसके साथ कर लिया आर्ग्यू, मेरे भाई ने पूरा कर लिया उसके साथ आर्ग्यू कि भाई लॉ में लिखा है ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हम वो दे रहे हैं, आप कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हमारे साथ डिनाई नहीं कर सकते। और वो फिर धमकी देने लग गया कि ज्यादा एकड़ी दिखाओगे पासपोर्ट नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसा हम चढ़ गए उसके ऊपर। लॉ में ऐसा लिखा है जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए हम दे रहे हैं, आप अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं कर सकते, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड ही नहीं है, यू कैन नॉट डिमांड दैट फॉर गिविंग अस अ पासपोर्ट। और उसके बाद हमने ट्वीट कर दिया, ट्विटर में ट्वीट कर दिया और सब छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट सबको टैग करके कि ऐसा ये बड़ा बड़ा कोर्ट आर्टिकल नंबर मेंशन करके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग वी हैव दिस राइट, यू कैन नॉट डू दिस। भारी बहुत बहुत वो ट्वीट बहुत रिट्वीट हुआ था। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ना उस पासपोर्ट ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया था, नॉट स्पेसिफिकली हमारे, हो सकता और भी लोगों ने कंप्लेन किया होगा उसके अगेंस्ट। सो गवर्नमेंट ऑफिसर, पासपोर्ट ऑफिसर्स ऐसे बिना रीजन के हमें पासपोर्ट देने के लिए मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फ्रीडम है, हमारे पास राइट है टू गो ट्रैवल, टू ट्रैवल अब्रॉड, और ये आ जाता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंदर। क्या यही तीनों चीज आती है? नहीं, और भी चीज आती है, ये बस एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि पर्सनल लिबर्टी में अधिकार है, कि आपके पास प्राइवेसी का अधिकार है, कोई आपके आपको डिटेन करके नहीं ले जा सकता, कहीं बंद नहीं कर सकता। पर्सनल लिबर्टी में ये भी आता है कि मान के चलो मेरे घर वाले मुझे बंद कर दिए एक रूम में और मेरे को कह दिए कि तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगी। मान के चलो मैंने कोई गलती कर दी और मेरे घर वालों ने मुझे रूम में लॉक कर दिया, तुम इस रूम से बाहर नहीं निकल सकती, ये भी पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट हो जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकती हूँ। समझ में आया? मेरे पास राइट है पर्सनल लिबर्टी का, कोई मुझे कहीं बंद नहीं कर सकता कि तुम इस रूम में बंद रहो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, ऐसा। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं और आर्टिकल 21 में कि आई हैव राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑनेस्टली इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता है, मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मैं समझाती हूँ, आगे काम भी आएगा। बस ये कि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, बट अदरवाइज ये सेक्शन, ये आर्टिकल एक मिनट में जो है, तुम कोई भी यूट्यूब वीडियो वगैरह भी देखोगी ना तो एक मिनट में निपटा देंगे इसको कि हमारे पास जीने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, खत्म, ऐसा। दैट इज आर्टिकल 21, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। अब मैं इसका मतलब बताऊंगी, तीन चीजें यहाँ पर देखो आर्टिकल 21 में, आपके पास लाइफ का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, बट हाँ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्पेसिफाइड बाय लॉ, मतलब लॉ बना करके अगर जेन्युइन रीजन होगा तो हमारे इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उम्र कैद कह लो, ठीक है, और
प्राइवेसी के लिए कह लो, प्राइवेसी के लिए अगर आपका टेलीफोन कोई टैप कर रहा है, टैप मतलब सुनना है, हैक, मैं क्या अपने फोन से जिससे भी बात करूंगी कोई मेरा फोन टैप कर लेगा, नंबर टैप कर लेगा, तो मतलब मैं किसी से भी कुछ भी बात करूंगी, दे कैन ऑल्सो हियर माई टेलीफोन कॉल्स, टेलीफोन टैप करना, ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है कि नहीं है? प्राइवेसी के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। बट इसका एक केस हुआ था, मेरे को एकदम क्लिक नहीं कर रहा है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, एक केस हुआ था इसमें कि गवर्नमेंट ना कुछ क्राइम पता करने के लिए टैप कर रही थी, टेलीफोन टैप कर रही थी, ठीक है? तो उस केस में ये बोला गया था कि अरे ये तो अगेंस्ट है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ऐसा वैसा। फिर बाद में बोला गया था कि अगर रीजन है कि आप कुछ क्राइम कर रहे हो, ठीक है, और डाउट है कि हाँ आप ये कर रहे हो, तो उसके करने के लिए वो जरूरी है, तो वो किया जा सकता है। मतलब अगर सामने वाला बेगुनाह निकलेगा तब भी तो एक्शन नहीं, मिलेगा। बेगुना निकलेगा तब तो वो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, बट हाँ एक्चुअल में वो क्राइम प्रूव हो जाता है देन तो वो हो जाएगा ना। फिर तो मान सही है, ये टाइप हाँ का डाउट हाँ वो नहीं है, इसी के तरह है। हाँ तो लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, और इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि लॉ बना करके होना चाहिए, बिना लॉ के नहीं हो सकता। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, यानी प्रॉपर पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। लॉ के द्वारा आप लगा सकते हो रिस्ट्रिक्शन, वो लॉ जो आप बना रहे हो वो वैलिड होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, और जो लॉ में प्रोसीजर लिखा है वो आपको प्रॉपर फॉलो करके ही रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। और जो भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, अनाप शनाप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, दैट शुड बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर, ठीक है? दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 21। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताने जा रही हूं मैं, आर्टिकल 21A, जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। देखो कभी भी तुम 21A किसी भी आर्टिकल के आगे ABC पढ़ोगे ना, मतलब वो पहले नहीं था, वो बाद में बीच में इंसर्ट किया गया। अब जैसे देखो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 22 है, अब बाद में अमेंडमेंट करके मेरे को 21 और 22 के बीच में कोई आर्टिकल घुसेड़ना है, तो मैं उसका नाम क्या दे दूंगी, 21A। समझ में आया? ठीक है, तो आर्टिकल 21A आया अमेंड होके कब, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 2002, और एक नया फंडामेंटल राइट इंसर्ट किया गया, राइट टू एजुकेशन। तो तुम बोलोगी दीदी क्या 2002 से पहले भारत में हमारे पास राइट टू एजुकेशन था ही नहीं, राइट टू एजुकेशन का फंडामेंटल राइट था ही नहीं? था, बट इनडायरेक्टली था। राइट टू एजुकेशन इनडायरेक्टली राइट टू लाइफ में भी कवर हो जाता है, यानी इनडायरेक्टली वो आर्टिकल 21 में भी कवर हो जाता है, और इनडायरेक्टली राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 14 में भी कवर होता है, नहीं 14 नहीं, जस्ट अ सेकंड, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी कवर हो जाएगा प्रॉपरली, राइट टू टेक एजुकेशन, आप एजुकेशन एजुकेशन लोगे तभी यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो राइट राइट टू एजुकेशन इनडायरेक्टली दो तीन आर्टिकल्स में कवर होता है, बट क्योंकि धीरे धीरे करके हमें एजुकेशन की नीड पता चली, पहले के जमाने में कहाँ एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती थी, धीरे धीरे करके हमें एजुकेशन की नीड पता चली, तो हम ये लगा कि अलग से एक्सप्रेसली राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, इसीलिए 2002 में अमेंडमेंट आया और हमने राइट टू एजुकेशन इंसर्ट कर दिया आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो एक नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ आर्टिकल 21A, जो ये बोलता है द स्टेट, एक एक वर्ड को ध्यान से देखना, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ाया हुआ है इसलिए प्रॉपर मार्क किया हुआ है, मैं थोड़ा कचरा हटा देती हूँ, ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा बात देखो, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इयर्स इन अ मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी थोपी जा रही है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट के अंदर अंदर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे, फ्री यानी पैसे चार्ज नहीं कर सकती, कंपलसरी यानी ऑप्शनल नहीं, सब सब 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी ही है। मतलब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पूरे भारत में जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं हर किसी को कंपलसरीली एजुकेशन मिलनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी आपको इंश्योर करके रखना है कि 6 से 14 साल का कोई बच्चा है तो वो कहीं काम वाम नहीं कर रहा है, वो लेबर नहीं है, उसको एजुकेशन मिल रही है, ये गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, समझ रही हो? तो ये एक फंडामेंटल राइट है कि पूरे भारत देश में जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, कितने 6 से 14 साल के बच्चों को सबको गवर्नमेंट फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी। और तभी यहाँ पर आता है गवर्नमेंट स्कूल्स का कंसेप्ट, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ फ्री एजुकेशन होती है ना, पैसा नहीं लगता है, बट हाँ इंडियन गवर्नमेंट इतनी एक्टिव नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन का भी है
बहुत रेयर ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ क्वालिटी, जैसे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन है बिकॉज ऑफ दी केजरीवाल, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वो लोग नहीं देखते हैं, नहीं इंश्योर करते हैं कि एक्चुअल में जितने इस एरिया के जितने 6 से 14 साल के बच्चे हैं सब स्कूल आ रहे हैं ना, बट एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, स्टेट को जिम्मेदारी दी गई है कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देंगे टू 6 to 14 years ऑफ योर चिल्ड्रन एज द लॉ में डिटरमाइन, जिस तरह से वो डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं अभी तो हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम फंडामेंटल ड्यूटी भी पढ़ेंगे और डीपीएसपी भी पढ़ेंगे। ये दोनों अभी नहीं समझ में आएगा। बेसिकली एजुकेशन के बारे में ना एफआर में भी एक पॉइंट है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी एक पॉइंट है और डीपीएसपी में भी पॉइंट है। ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है आर्टिकल 19 to 22। मैं तुमको 21 और 22 भी बता ही देती हूँ। तीसरा राइट पे आती पड़ेगी, तीन है ना छोटे छोटे वाले, एक हो जाएगा लास्ट वाला, मतलब 32, वो तो बहुत बड़ा है, बड़ा है, एक ही बनेगा तो एक ही तो वो आर्टिकल आधा बाद में दिया हुआ है। एक छोटा सा सेक्शन बता देती हूँ, राइट टू एक्सप्लोरेशन, थर्ड वाला आर्टिकल, फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार, कल फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी एक दिन में कर लेंगे पूरा, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज एक दिन में कर लेंगे, ठीक है। आज क्या तारीख है? 10 तारीख है। कल 11 को फंडामेंटल राइट हो जाएगा, 12 को डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, गवर्नर और कोर्ट सिस्टम, ये एक दिन में हो जाएगा। यानी 10 के बाद 11 को फंडामेंटल राइट, 12, 13, और फिर 14 को तुम्हारा हो जाएगा, 13 को ही ट्राई करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 13 को टारगेट रहेगा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 13 को ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तुम्हारी क्लास सिर्फ 28 तक ही होगी, क्लास होगी तुम्हारी 28 तक। हाँ, 28 ऑफ जून, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी आप लोग करना, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना, जो एमसीक्यू बुक्स वगैरह रहेंगे उसको सॉल्व करना, रिविजन करना, बेसिकली पूरा रिवाइज करना याद कर करके, और एमसीक्यू बुक सॉल्व करना। 28 तक टारगेट करना कोर्स कंप्लीट हो जाए चारों सब्जेक्ट का, 28 जून तक। फिर जो 7 दिन, 1 वीक बचेगा आपका, 1 वीक बचेगा, 1 वीक में ट्राई करना कि पूरे एमसीक्यूज जितने से जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हर चैप्टर रिवाइज कर करके जितने ज्यादा ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ, वैसा हर सब्जेक्ट रिवाइज कर करके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ लास्ट 1 वीक में। 28 जून विल बी योर टारगेट कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलो देख लेते हैं, देख ही लेते हैं, मान के चलो आज 10 है, 13 तक पूरा ट्राई करेंगे कि 13 तारीख तक जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, 13 तक, राइट। उसके बाद कंपनी लॉ करने में मान के चलो हमें 3 4 दिन लगेगा, राइट। तो 14 15 16 17, सीएस एक्ट एक दिन में हो जाएगा, मान के चलो 18, लीगल रीजनिंग एक दिन में हो जाएगा, उसको तो छोड़ भी सकते हैं, मतलब लास्ट में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, 18, 19 20, ओके। आफ्टर दैट हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत बड़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 5 दिन का टारगेट लेके चलते हैं, 19 20 21 22 23, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स 2 दिन में हो जाएगा, 24 25, वी हैव 3 डेज, राइट। तो एक दिन इसमें बढ़ा देंगे, कंपनी लॉ में 5 दिन ले लेते हैं, हाँ, लॉजिकल रीजनिंग भी साथ साथ में करेंगे, उसके साथ साथ ये हो जाएगा तुम्हारा कंपनी लॉ, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसमें एक एक दिन और बढ़ा देते हैं, 23 24, ये हो जाएगा तुम्हारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा टॉट में 25 26, और फिर 27 को तुम्हारा हो जाएगा सीएस एक्ट, 5 चैप्टर है। 28 को तुम्हारा हो जाएगा लीगल रीजनिंग,
पांच नहीं छह चैप्टर हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर के अंदर दो टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टॉट, और 13 तक हम ट्राई करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो जाए। देखते हैं, प्लान बना लिया, प्लान ट्राई करेंगे प्लान के अकॉर्डिंग रहने का। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ठीक है, तो दिस वे विल कम्प्लीट द आज लॉजिकल रीजनिंग का भी जो है शेड्यूल बना लेंगे, या फिर मैं भेज देती हूँ इसको, एक टारगेट भेज देती हूँ। ठीक है, इस तरह से ना आपका इकोनॉमिक्स का भी टारगेट होना चाहिए, और इस तरह से आपका बिजनेस कम्युनिकेशन तो खैर स्टार्ट करेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन का हेडेक नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो एक छोटा सा टॉपिक और मैं बता देती हूँ, उसके बाद आधी घंटा लॉजिकल रीजनिंग करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस कॉन्सेप्ट दो राइट अपना हो चुका है। फर्स्ट इज राइट ऑफ इक्वालिटी एंड दूसरा राइट टू फ्रीडम। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब मैं जो स्लेवरी वाला बता रही थी ना, सॉरी वो इसमें आ जाएगा, उसमें नहीं आएगा। जो मैं स्लेवरी वाला बता रही थी ना, बॉन्डेड लेबर वाला, वो वहां भी आ जाएगा, बट मोरली वो यहाँ मोर और लेस यहाँ पर आएगा एक्सप्लॉयटेशन में, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 जो बोलता है कि तीन चीजें मना करता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगर और किसी भी तरह का फोर्स्ड लेबर। बेगर मतलब आप किसी को भीखमंगा नहीं बना सकते, किसी को नहीं बोल सकते जाओ जाके भीख मांगो, ठीक है, बेगरी प्रोहिबिटेड है। जो लोग भीख मांगते हैं ना वो अलाउड नहीं है, कोई भी भीख नहीं मांग सकता, बेगर इज नॉट अलाउड, दैट इज प्रोहिबिटेड, बेगर इज प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 22 बोलता है कि यू कैनॉट बेग और यू कैनॉट मेक एनी वन बेग। जैसे कई लोग होते हैं ना जो बच्चे बच्चे ढूंढते हैं, बच्चे इकट्ठा करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आदमी लोग चार पांच बच्चे को इकट्ठा करते हैं और उनको सिखाते हैं, तुम जाओ भीख मांगना, जितना भी पूरे दिन में इकट्ठा करोगे मेरे को लाके देना। किसी किसी मूवी में भी ये चीज दिखाया गया है, देखियो। हाँ, ये गलत है, आप बच्चे लोगों को ऐसे नहीं सिखा सकते, जाओ मेले भीख मांग के लाओ। बेगर प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 23 में, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, फंडामेंटल राइट है ये। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक में क्या क्या आ जाता है, प्रोस्टिट्यूशन भी आ जाता है, प्रोस्टिट्यूशन। हाँ, जो देखी होगी लेडीज लोग, कुछ लेडीज लोग लड़कियां इकट्ठा करती हैं और लड़कियों को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में भेजती हैं, ब्रॉथल में भेजती हैं, प्रोहिबिटेड है, ट्रैफिक में आ जाता है। चाइल्ड स्लेवरी आ जाता है इसमें, बॉन्डेड लेबर आ जाता है, किसी भी तरह का फोर्स्ड लेबर, किसी को किसी भी को आप जबरदस्ती अगर आप लेबर बना रहे हो, काम करवा रहे हो, तो वो भी यहाँ पर आ जाता है, वो अलाउड नहीं है। इसका मतलब किसी ह्यूमन बींग को एक्सप्लॉयट करना, इसीलिए इसका नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जब आप किसी भी इंसान की बिना मर्जी के उसको लेबर बनाते हो, या उस जैसे वुमेन का अगर आप उसको ब्रॉथल में भेज रहे हो, अगर उससे वो सारे सेक्स वर्क्स करवा रहे हो, तो उसके विल के बिना, तो वो उसके एक्सप्लॉयटेशन में आ जाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, समझ में आया? ठीक है, अब आप मान के चलो किसी से काम करवा रहे हो पूरा दिन, बदले में उसको पैसा दे रहे हो 50 रुपए, पूरा दिन गंदे से काम करवा रहे हो 50 रुपए दे रहे हो, ये भी बॉन्डेड फोर्स लेबर में आ जाएगा। जब आप किसी से काम बहुत ज्यादा करवा रहे हो और पैसे उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हो, पैसे बहुत कम दे रहे हो, समझ रहे हो, ये भी बॉन्डेड लेबर में आ जाता है। ये मतलब आप उस इंसान को एक्सप्लॉयट कर रहे हो, उससे काम पूरा करवा रहे हो, उसको पैसे नहीं दे रहे हो, ये भी एक्सप्लॉयटेशन में आ जाता है। ठीक है, तो ट्रैफिक, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में ये सब आ जाएगा, स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर। आप जैसे मूवीज वगैरह में देखे हो ना, स्लेव्स बना के रखते हैं, मारते हैं, ये करो वो करो, मार मार के रखते हैं, वो भी नहीं अलाउड है, बिल्कुल, ये सब प्रोहिबिटेड है। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर और बेगर। ठीक है, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। अब ऑब्वियसली ये एक ये इंसानियत की चीज है, तो ऑब्वियसली ये जो फ्रीडम है ये सिर्फ सिटीजन को नहीं, हर पर्सन को मिला है। कोई बाहर वाला इंसान भी इंडिया में आके रह रहा है तो हम उसको बेगर नहीं बना सकते, स्लेव नहीं बना सकते, बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकते। बॉन्डेड लेबर मतलब आजीवन लेबर, अगर आप किसी को अपना आजीवन लेबर बना रहे हो वो भी गलत है। जैसे जैसे मैंने तुमको कटप्पा वाला एग्जाम्पल दिया था, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो दिस राइट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन एंड दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट ऑल्सो, अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। बाकी सारे राइट्स जो अपन मोस्टली पढ़े हैं स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। स्टेट के अगेंस्ट मतलब गवर्नमेंट अगर आपसे ये राइट छीनती है तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, रिट पिटीशन। कोई प्राइवेट इंसान करेगा तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। बट ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल, आर्टिकल 23, अगर आपको कोई प्राइवेट इंसान भी भीख मंगवा रहा है, या अपना स्लेव बना लिया, या प्रोस्टिट्यूशन में भेज रहा है जबरदस्ती लड़कियों को उनके बिना विल के, उनके विल के अगेंस्ट, तो ये भी आर्टिकल 23 का वायलेशन होगा। और इस केस में ना आप गवर्नमेंट के साथ साथ कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई आम आदमी भी आपके साथ ये करेगा तो इसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा और आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो।
और अगर कोई ऐसा करता है, कोई भी इंसान अगर आप देखोगे कोई किसी से भीख मंगवा रहा है, लेबर बना के रखा है, स्लेव बना के रखा है, बॉन्डेड लेबर, ये सारा चीज, तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम है, पनिशेबल ऑफेंस है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन आर्टिकल 23 का। समझ में आया? तीन चीज प्रोहिबिटेड है, याद रहना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है कि आर्टिकल 23 में क्या क्या प्रोहिबिटेड है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगर, और ये आ जाएगा तुम्हारा अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। और इसका 23(1) पढ़ा अपन ने, ठीक है, ये था 23(1). इसका एक एक्सेप्शन है छोटा सा कि ना कई बार ना हाँ, अगर आप किसी को ये बोलते हो ना कि तू सिर्फ मेरे लिए काम करेगा, किसी और के लिए काम नहीं करेगा, कहीं और नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, आप अपने लेबर को अगर बोलते हो तुम कहीं नहीं जा सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये काम करेगा, वो भी गलत है, वो भी एक्सपेक्टेशन में आ जाता है। बट इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे जो आर्मी लोग होते हैं, कई बार ना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है उनको कुछ चीजें प्रोहिबिट करना कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है 23(2) में कि स्टेट जो है यानी गवर्नमेंट जो है वो कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। कई बार ना अगर आप किसी को ये बोल रहे हो ना कि आप 5 साल के लिए हमें छोड़ के नहीं जा सकते, 6 साल के लिए हमें छोड़ के नहीं जा सकते, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आर्टिकल 23 के खिलाफ हो जाएगा। बट गवर्नमेंट को कई बार पब्लिक सर्विस के लिए जरूरी होता है कंपल्सरी बनाना कुछ चीजें, जैसे कि अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो वो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है कि गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप एक बार आर्मी में घुस रहे हो तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यहीं रहोगे, कहीं नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उस केस में गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो गवर्नमेंट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस लगा सकती है फॉर पब्लिक पर्पज, पब्लिक पर्पज के लिए वो लगा सकती है, बट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट। हाँ, बट हाँ, वो इन सारे ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि मैं सिर्फ इन लोग को कंपल्सरी सर्विस लगाऊंगी, इस रिलीजन वालों को नहीं लगाऊंगी, नहीं, बट cannot discriminate on the ground of religion, race, caste or class, ठीक है? ये था तुम्हारा आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर की बात कर रहा है कि आप 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्री, माइन और हजार्डियस वर्क में काम करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते, बस एक इतनी सी बात है, एक लाइन छोटा सा लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर ना नॉर्मल शॉप्स की को प्रोहिबिट नहीं किया गया है, नॉर्मल शॉप्स में वर्क करना प्रोहिबिट नहीं किया गया है, यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है ऐसी जगह जो बच्चे के लिए डेंजरस होती है, जैसे फैक्ट्री में काम करना, उसका मशीन में हाथ आ गया तो गया, वो तो फैक्ट्रीज में तो कितनी सारी मशीन होती है, माइंस, जमीन के अंदर जाके काम करना बहुत डेंजरस होता है, जान भी जा सकती है, माइंस में जो लोग जाके काम करते हैं ना उनको, उनकी लाइफ बहुत अनसर्टेन होते हैं, कब चले जाए पता नहीं, तो ये सारे डेंजरस चीजें हैं, फैक्ट्री में काम करना, माइंस में काम करना, हजार्डियस वर्क में काम करना। मना है कि कोई भी चाइल्ड, बच्चा जो 14 साल या 14 साल से छोटा है उसे यहाँ पर काम करने अलाउ नहीं दिया जाएगा। इसे कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डियस इंडस्ट्री, ये दिया हुआ है आर्टिकल 24 में। ये हर बच्चे के पास नॉर्मल में कर सकते हैं, पर वो दूसरे कानून के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि चाइल्ड को नॉर्मल जगह भी आप मत रखो, 14 साल से छोटे बच्चों को या 12 साल से छोटे बच्चों को। बट कॉन्स्टिट्यूशन में 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में प्रोहिबिटेड है। हाँ, बहुत सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड वेलफेयर एक्ट, मतलब एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकती, पर बहुत सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाए गए हैं जहां ये बोला गया है दूसरे कानून के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बट नॉर्मल लेजिस्लेटिव लॉ के द्वारा ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि चाइल्ड लेबर मत करो। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन करके कुछ एक एक्ट है जिसमें नॉर्मल बहुत सारे कानून बनाए गए हैं चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली बात लिखी हुई है कि 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्री में वर्क करने अलाउ नहीं दिया जाएगा। ये था तुम्हारा आर्टिकल 24। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है, बस दो फंडामेंटल राइट बचे हैं, 3, 25 to 28, 29, 30 और 32, ठीक है? 29, 30 इजी है, जल्दी हो जाएगा, तो मतलब कल फंडामेंटल राइट हो जाएगा ना, तो फिर उसके आगे वो भी कर लेंगे, ड्यूटीज वगैरह भी कर लेंगे, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज आज जो पढ़े समझ में आया, रिवाइज करके आना और ना बुक से एक बार रीड ले लेना। तो कल मैंने तुमको कहां तक रीड लेने बोला था, एक बार रीड ले लेना ना, एक बार ऊपर ऊपर से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, एक बार रीड ले लेना। पेज नंबर 210 में तुमने आर्टिकल 16 तक कल रीड लिया था, ठीक है? उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आर्टिकल 17 है जो हमारा हो गया है,
ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आर्टिकल 18 है जो अपना हो गया है, फिर आर्टिकल 19 चालू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 19(1) है, 19(2) भी दिया हुआ है, बट थोड़ा, हाँ 19(2) दिया हुआ है, 19(3), 4, 5, 6 बुक में नहीं दिया हुआ है, वो मैंने एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, ये हो गया है अपना। उसके बाद आर्टिकल 21 भी अपना हो गया है, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये भी हो गया है। राइट टू एजुकेशन भी अपना हो गया है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद आर्टिकल 22 और 23 भी अपना हो गया है, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पेज नंबर 212 तक अपना पूरा कंप्लीट हो गया है, एक बार रीड ले लेना। वैसे पीपीटी में सब कवर्ड है, अगर भूले चुके कोई लाइन मिस हुई होगी तो मेरे को बता देना, बाकी पीपीटी में सब कवर्ड है, ठीक है। कल आर्टिकल 25, 26, 27, 28 करेंगे, दो ही तो पेज है, एक बार रीड ले लेना। डन, ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहां से, ओके। पूर्वी एनी डाउट? समझ में आया आज जो पढ़े? रिवाइज करके आना कल की क्लास में, लीगल एप्टीट्यूड में जितना पढ़ते जा रहे हैं पूरा रिवाइज करते जाना, ठीक है। और ऐसे रिवाइज कर लेना कि बिना बुक के भी रिवाइज हो जाए पूरा, ठीक है, ओके। एंडिंग द लेक्चर।